हेलो स्टूडेंट, तो आज अपन बात करते हैं डीसीएम टेस्ट सीरीज में फुल सिलेबस का पेपर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पेपर ऑलरेडी हो चुका है, अब अपन बात करते हैं पेपर सेकंड की। इसमें कंप्लीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं और इसमें टू सेक्शन में पेपर को डिवाइड किया गया है, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस के 9 क्वेश्चंस हैं एंड सेक्शन डी में बेटा 9 क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल ग्रिड के, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखें सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू दिस पार्ट 3x3 की, इज एन आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स देन एक्स इज इक्वल टू। सिंपल क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए, और अगर ये मैट्रिक्स कैसी, बोलो आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स, तो आपको बताना है ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है। तो एनी मैट्रिक्स इज आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स देन वी नो दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स में अगर ए स्क्वायर आपका ए है तो देन उसको क्या बोलते हैं, आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स। यस सर, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू को करना है कैलकुलेट, और उस ए स्क्वायर की वैल्यू को आप करोगे ए के इक्विवेलेंट। तो देखो ए स्क्वायर की बात करते हैं इसमें, तो ए स्क्वायर के लिए काम करो, इसी मैट्रिक्स को दो बार रीराइट कर देते अपन, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 × x, और अगेन इसको रीराइट किया मैंने बेटा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 × x। ये लिखने के बाद क्या करोगे, रो बाय कॉलम, जब भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करते हैं, रो बाय कॉलम। तो 3x3 की मैट्रिक्स को कैसे करोगे मल्टीप्लाई, देखो इस R1 रो को C1 कॉलम से मल्टीप्लाई करो, तो जिसको जिससे मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आएगा, 2 × 2 = 4 आ गया, -2 - 2 + तो 6 आ गया ना, अरे 2 और 2 = 4, -2 - 1 + 2 = 6, और -4 तो ये कितना आ गया, 2 आ गया फाइनली। ठीक है, ऐसे ही अगेन R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 2 × -2 = -k4, और -2 को -3 से किया तो -k6 होगा, और -4 को -2 से किया तो +k8 आ गया, मतलब फाइनली ये आ गया -k2। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली देखना, आपने R1 को C1 से किया, इसको इससे किया तो 2 आ गया, और देखो अपन को इसको ए स्क्वायर के इक्विवेलेंट लाना है, तो देखो ए स्क्वायर की जो ये टर्म है ये 2 है ना, तो हाँ मतलब बाद में क्या करोगे, ए स्क्वायर को ए से जब कंपेयर करोगे तो करस्पोंडिंग एलिमेंट को कंपेयर करोगे तो आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। बट इसमें थोड़ा ध्यान ही रखना है, ये करना आप अपने अकॉर्डिंग, बस इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू है उसमें ईच एलिमेंट को कंपेयर करना है, तो उसमें जो वेरिएबल वाला पार्ट है आपका, अब आपको सोचो ना इसको इससे किया कॉन्स्टेंट आने वाला है, मतलब R1 को C1 से किया कॉन्स्टेंट तो ये 2 आएगा ऑटोमेटिक फिक्स है, R1 को C1 से किया अगेन कॉन्स्टेंट तो ये भी -2 आएगा, ये भी फिक्स है, फिर आपको R1 से को C3 से करना है, तो इसमें x की टर्म प्रेजेंट होगी। ये लिखने के बाद आप R2 को करोगे C1 से, तो R2 को C1 से करने पे क्या होगा, R2 में भी कांस्टेंट है, C1 में भी कांस्टेंट है, तो अगेन फिक्स है -1 आने वाला है, तो कि अपन को a स्क्वायर इक्वल टू a लेके आना है। सिमिलरली R2 को C2 से करोगे तो ये 3 होगा, और R2 को जब C3 से किया तो अगेन इसमें वेरिएबल पार्ट आने वाला है, इतना आने के बाद इसको इससे करना है तो इसमें वेरिएबल होगा, अगले में वेरिएबल और अगले में वेरिएबल, तो आपको करना क्या है, इस इंटीज को -4 से कंपेयर करना है, दिस इंटीज को 4 से कंपेयर करना है, और इन तीनों इंटीज को 1 by 1, 1 - 2 और x से कंपेयर करना है, इन सबको कंपेयर करने से जो x की कॉमन वैल्यू होगी वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें फोर्थ ऑप्शन 5 गिवन है, तो अगर गलती से बाई चांस कोई भी x की दो वैल्यू डिफरेंट मिल रही, जैसे लेट ऑफ इससे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट की इक्वल करके और इससे की, और इन दोनों में माना x की दोनों वैल्यू डिफरेंट आती है, तो फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू पे, ये डिफरेंट वैल्यू पे अगर -4 और 4 देता है, इसका मतलब फिर ये आइडियमपोटेंट मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो आपको इन ऑल 5 एंटीज को इक्वल करके x की कॉमन वैल्यू को करना फाइंड आउट। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आपका थर्ड ऑप्शन आने वाला। ठीक है, ये गलत आंसर है, अभी तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू -3 आने वाली, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चले
उसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या पढ़ो, लेट एक फंक्शन एफ आर टू माइनस वन से इन्फिनिटी में डिफाइन है, मतलब उसकी डोमेन आर है और को डोमेन गिवेन है माइनस वन से इन्फिनिटी, एंड एफ एक्स इक्वल टू गिवेन है साइन टू एक्स का मोड प्लस कोस टू एक्स के मोड का स्टेप, वेयर स्टेप इज दी जी आई फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब जिसका आउटपुट ऑलवेज एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है। सर तो देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, एफ एक्स इज अ पीरियडिक फंक्शन, एफ एक्स एक अपीरियडिक फंक्शन है, एफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड पाई बाई फोर, एफ एक्स इज इनवर्टेबल इन जीरो से पाई बाई फोर, और एफ एक्स इज इन टू फंक्शन इन गिविन कोडोमेन। तो देखो कैसे करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा केयरफुली देखो इसका जो अंदर वाला पार्ट है, अगर आप इसको सेपरेट देखने की बात करोगे तो देखो इसको लिखते अपन, लेट जी एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स का मोड प्लस कोस टू एक्स के मोड। अगर आप इसके लिए पीरियडिसिटी की बात करोगे तो ये सबने पढ़ा होगा, इसका पीरियड क्या होगा, टी वन इक्वल टू बोलो साइन का पीरियड मोड साइन का पीरियड पाई अपॉन एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो टी वन आपका आ गया पाई बाई टू। सिमिलरली इसमें भी टी टू क्या आएगा, मोड कोस का पाई और एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड, तो टी वन टी टू दोनों पाई बाई टू है ना, तो आप क्या करोगे इनका एलसीएम लोगे, तो पाई बाई टू और पाई बाई टू का एलसीएम क्या आ गया, पाई बाई टू आ गया ना, तो बच्चे फटाफट से इसका आंसर पाई बाई टू भर देते हैं, बट ये आंसर होंगे क्यों, क्योंकि पता होगा ये दोनों थीटा सेम है और दोनों के आगे कोफिशिएंट वन है, तो बेटा साइन टू एक्स का मोड और कॉस टू एक्स का मोड बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, और दोनों फंक्शन अगर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर हो तो अपन क्या करते हैं एलसीएम लेने के बाद उसको टू से डिवाइड भी करते हैं, तो देन इसका जो पीरियड है जी एक्स का वो क्या होगा पाई बाई फोर, ठीक है, इस जी एक्स का पीरियड पाई बाई फोर है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं कि पता है अपन को कि अगर अंदर वाला फंक्शन मेरा पीरियडिक है तो बाहर चाहे कैसा भी हो, पीरियडिक या नॉन पीरियडिक, जी एक्स फंक्शन जो फाइनल फंक्शन है वो आपका ऑलवेज कैसा होगा पीरियडिक फंक्शन, तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों का आंसर क्या था पाई बाई फोर, बट ये आंसर इसका रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात यह है ये आपको पता होना चाहिए कि जो साइन एक्स का मोड प्लस कॉस एक्स का मोड इसकी जो रेंज होती है ना बेटा वो ऑलवेज वन से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू रूट टू होती है, ठीक है, इसमें थीटा चाहे कुछ भी लो, टू एक्स मानो थ्री एक्स मानो नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, तो साइन एक्स का मोड प्लस कॉस एक्स के मोड की जो रेंज है वो क्या होगी वन से रूट टू, और वन से रूट टू, वन से रूट टू का मतलब वन से लेके 1.4, वन से लेके 1.4 का जब आप स्टेप लोगे जी आई तो वो ऑलवेज आपका वन होगा, इसका मतलब ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स ये एग्जैक्ट वन होगा, और फंक्शन अगर एग्जैक्ट वन है मतलब वाई इक्वल टू वन फंक्शन है, तो y इक्वल टू वन इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तो कैसी होगी मेनी वन होगी ना, और स्ट्रेट लाइन अगर मेनी वन है तो ये इनवर्टेबल फंक्शन नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत है, इसका आउटपुट ऑलवेज वन है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये इन टू होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और सुनो मुद्दे की बात, अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन आर ऑलवेज पीरियडिक बट नो फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि जब ये फंक्शन कॉन्स्टेंट है तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ही मान सकते हो ना, कुछ ने बोला कि काम करो वन के बाद इसको रिपीटेशन मान लो, किसी ने बोला टू के बाद रिपीटेशन मान लो, तो फंक्शन अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो वो पीरियड तो होगा बट उसका फंडामेंटल पीरियड डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें देखो सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट तो वैसे ही रॉन्ग हो गया अपीरियडिक, सेकंड ऑप्शन में बोला गया पीरियडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई फोर, तो फंडामेंटल वर्ड इसमें गलत है, अगर इसमें फंडामेंटल वर्ड को रिमूव कर दिया जाए तो पाई फोर आंसर फिर इसका करेक्ट हो सकता है, तो अभी तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर फोर, ठीक है, चलो एक अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद देखो क्वेश्चन थर्ड में क्या बोला गया, गिवन एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स, एक्स पॉजिटिव पे ये लेट करना है, एक्स नेगेटिव पे दिस फंक्शन, और इसमें ये तो जी आई फंक्शन है बेटा और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये सर ये सब कुछ मेंशन है क्वेश्चन में, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट होल्ड गोल्ड, मतलब आपको इन करेक्ट ऑप्शन को चेक करना है, क्या क्या ऑप्शन से पढ़ते हैं एक बार, एफ जीरो माइनस जीरो मतलब आपको इसका जो एल एच एल है जीरो माइनस पे जीरो आना चाहिए, आर एच एल थ्री आना चाहिए, उसके बाद बोला गया कि एफ ऑफ जीरो अगर जीरो मान लिया जाए, अभी फंक्शन को जीरो पे डिफाइन नहीं किया गया, तो क्वेश्चन ने ऑप्शन में बोला है कि अगर एफ ऑफ जीरो जीरो हो बाई चांस तो बताओ क्या फंक्शन एफ एक्स जीरो पे कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं, देखते हैं, और अगला ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन इन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्या फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रखता है या नहीं, तो सबसे पहला काम तो यही कि आप इसमें एफ ऑफ जीरो प्लस और जीरो माइनस की बात करें, तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट,
तो सबसे पहले LHL लिखते हैं इसका। तो देखो LHL क्या होगा, LHL इक्वल टू लिखो लिमिट ऑफ, ये फॉर्मूला लिखो H वाला, लिमिट H टेंस टू जीरो F ऑफ जीरो माइनस H, इससे कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। ये LHL का फॉर्मूला, लिमिट H टेंस टू जीरो F ऑफ जीरो माइनस H, तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या जाएगा ये इक्वल टू लिमिट H टेंस टू जीरो, हाँ जीरो माइनस H का मतलब F ऑफ माइनस H, तो जीरो माइनस H का मतलब जीरो से छोटा, तो आपको ये फंक्शन लेना है, तो क्या आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच का स्क्वायर इज एच स्क्वायर, यस सर, और ये आ गया ई की पावर माइनस के वन अपॉन एच, आगे सॉरी कोस भी लगाना है, लगा देना कोस, ये सारा कुछ कोस के अंदर है। इतना आने के बाद देखो कैसे करना है, सबसे पहले काम करते हैं अपन फ्रैक्शनल पार्ट को स्टेप में लिखते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एक्स माइनस के स्टेप एक्स, ठीक है बेटा। तो दिस पार्ट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो, ब्रैकेट में लिखोगे एच स्क्वायर माइनस स्टेप एच स्क्वायर, यस सर, स्टेप फंक्शन है, और ये एज इट इज कॉस ई की पावर माइनस के वन अपॉन एच। अब देखो इसमें लिमिट पुट करते हैं, एच टेंस टू जीरो का मतलब एच जीरो से जस्ट ग्रेटर है, तो जीरो से जस्ट ग्रेटर का स्क्वायर जीरो से जस्ट ग्रेटर, तो ये तो बन जाएगा जीरो, तो एक बार इसको तो जीरो कर देते हैं, ये जीरो आ गया ना, उसके बाद जीरो प्लस लोगे तो वन अपॉन जीरो प्लस इन्फिनिटी, बट इसके आगे माइनस आना ना, तो माइनस के वन अपॉन एच क्या होगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, एच को जीरो प्लस पुट करोगे तो वन अपॉन जीरो प्लस इज प्लस इन्फिनिटी, और आगे माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो कॉस जीरो तो वन आ गया, तो ये तो वन आ गया, और एच को जीरो इसमें पुट करने पर ये भी जीरो आ गया, जीरो इंटू वन इज वन, तो ये लो इसका जो एल एच एल है ये तो आ गया आपका, सॉरी जीरो इंटू वन इज जीरो, तो इसका एल एच एल तो क्या आ गया बोलो जीरो, तो F 0 माइनस 0, तो ये तो मेरा ट्रू स्टेटमेंट है, क्या होगा बोलो ट्रू स्टेटमेंट, यस सर। अब LHL आने के बाद RHL की बात करते हैं, तो उसको रिमूव कर देते हैं, और क्या है, चलो इसको दोबारा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके LHL में क्या करोगे, सॉरी RHL, RHL इक्वल टू अगेन फॉर्मूला इज लिमिट ऑफ H टेंस टू जीरो F ऑफ जीरो प्लस H, यस सर, तो जीरो प्लस H का मतलब जीरो से जस्ट ग्रेटर, तो आपको इसका ऊपर वाला फंक्शन लेना, तो चलो इसको ले लेते हैं, तो ये आ गया इक्वल टू लिमिट ऑफ H टेंस टू जीरो बोलो थ्री माइनस कोट इनवर्स, ब्रैकेट में देखो करना क्या आपको, X को पुट करना है H, तो क्या आ गया 2h cube minus 3 upon h square, तो साथ के साथ मैंने क्या किया इसको h square से डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गया 2h minus 3 upon h square, और ये स्टेप इनका लिख देते अपना क्या जा रहा है। इतना लिखने के बाद देखो अब अपन h को 0 पुट करते हैं, केयरफुली देखना, h को 0 से जस्ट बढ़ाए तो ये तो 0 हो गया, हटाओ, और 0 minus 3 upon 0 is infinity, 3 upon infinity, तो ये आ गया cot inverse माइनस के इन्फिनिटी, यस सर, इस पे स्टेप लगा देते अपना क्या जा रहा है, और अब आप बताओ cot inverse माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, पाई की तरफ टेंड करेगी, cot inverse माइनस इन्फिनिटी पाई की तरफ टेंड करेगा, पाई से जस्ट बड़ा, पाई से जस्ट लेस ही बोल सकते हो ना, क्योंकि cot inverse का की जो रेंज है वो ओपन ब्रैकेट जीरो से पाई होगी, cot inverse की रेंज ओपन ब्रैकेट जीरो से पाई है, तो पाई से नीरेस्ट लेस होगा, और पाई से नीरेस्ट कुछ भी हो 3.14 इसकी वैल्यू होगी, तो उसका स्टेप ऑलवेज क्या होगा 3, तो 3 माइनस 3 ये वैल्यू क्या होगी बोलो टेंस टू पाई, पाई से जस्ट लेस ये जो भी है, तो 3 माइनस पाई, पाई का स्टेप 3 आ गया, तो 3 माइनस 3 0 आ गया। इसका मीनिंग अपन लिखते हैं दोबारा, अभी जब LHL लिखा है एफ ऑफ 0 माइनस, तो ये भी 0 आया था, और एफ ऑफ 0 प्लस भी आपका 0 आ गया, तो देखो ये तो ट्रू आ गया, इसने 3 भी लिखा है, ये फॉल्स आ गया। उसके बाद खुद सोचो ना, LHL RHL दोनों सेम है 0, और क्वेश्चन ने थर्ड ऑप्शन बोल दिया कि एफ ऑफ 0 अगर मैंने 0 मान लिया, तो LHL RHL फंक्शन अगर तीनों सेम है तो बेटा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे क्या होगा कंटिन्यूस, तो ये भी आपका ट्रू ऑप्शन होगा, यस सर। उसके बाद ये अपन ने पढ़ा हुआ है कि LHL RHL दोनों सेम हो और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी अगर आपकी सेम आती है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा ना, तो उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और सिंपल सी बात ये है
जब LHL RHL दोनों सेम होना, तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कुछ भी हो, जैसे लेट एफ ऑफ जीरो को मैंने मान लिया अल्फा, लेट कोमा लगा के लिख दिया अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिक्स है। जो डिस्कंटिन्यूटी है इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी, एक इररिमूवेबल। तो रिमूवेबल और इररिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है कि जिसके अंदर LHL RHL दोनों सेम हो, तो आप उस पॉइंट पे उस कंटिन्यूटी को, उस केस में अपन रिमूवेबल कंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। इसमें LHL RHL दोनों सेम है, तो एफ ऑफ जीरो आपने लेट अल्फा मान ली, वन मान लिया, तो यार एफ ऑफ जीरो आपने वन लिख दिया, बट अगर अपन को उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करना है तो मैं एफ ऑफ जीरो की वैल्यू को रीडिफाइन कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट पे वैल्यू को रीडिफाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसको अपन रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और बाई चांस अगर LHL RHL दोनों डिफरेंट है, जब LHL RHL दोनों डिफरेंट है, तो फंक्शन की वैल्यू को कुछ भी रीडिफाइन करो ना, फंक्शन ऑलवेज कैसा होगा, डिसकंटिन्यूस। तो उस केस में बोलते हैं इररिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी। तो अब दोबारा सुने, तो जब LHL RHL दोनों सेम है, तो फंक्शन की वैल्यू को तो आप अपने अकॉर्डिंग रीडिफाइन करके जीरो बना दो, दिक्कत क्या है, तो फंक्शन फिर उस पॉइंट पे क्या बन जाएगा, डिसकंटिन्यूस। तो देन आप क्या बोलोगे कि ये कैसी डिसकंटिन्यूटी हो गई, रिमूवेबल टाइप की डिसकंटिन्यूटी। इसने क्या बोला गया है, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एट एक्स इक्वल जीरो, गलत ऑप्शन है, मतलब ये भी आपका फॉल्स है। तो अपन से क्या पूछा गया, फॉल्स ऑप्शन बताओ, इनकरेक्ट ऑप्शन। तो इसका सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों आपको फिल करना, ठीक है, चले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन फोर क्या है कि इन ए ट्राइंगल ऑफ एबीसी, एक ट्राइंगल गिवन है आपको एबीसी, सॉरी डी इज ए पॉइंट ऑन बीसी सच दैट डी बी 14 गिवन है, डी ए 13 गिवन है, डी सी 4 गिवन है, लिखते हैं इसको भी। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल ए डी सी, कॉन्ग्रेंट का मतलब ADB का जो ट्राइंगल, ADB के जो वर्टेक्स से जो सर्किल पास करोगे और ADC के वर्टेक्स से जो सर्किल पास करोगे, वो दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट सर्किल का मतलब दोनों सेम सर्किल हैं, दोनों की रेडियस सेम होगी, ठीक है ना। हाँ चलें, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, क्या क्या ऑप्शन से पढ़ते हैं। एक बार तो एंगल ABC की बात की गई है, और एक में ट्राइंगल ऑफ ABC का एरिया क्या होगा, तो देखो एक बार रफली डायग्राम बनाते हैं। एक ट्राइंगल है लेट ऑफ ABC, ए बी एंड सी, इसके बाद आपको गिवन है ना डी बी, तो डी अपन इधर मान लेते क्योंकि डी बी लेंथ ग्रेटर है और सी डी लेंथ 4 है, ठीक है। ये आपने ए से डी को ज्वाइन किया, तो ये लेंथ तो गिवन है आपको 14, ये लेंथ गिवन है आपको 4, यस सर, और ये लेंथ आपको गिवन है कितनी, डी ए 13, देखते हैं इसका यूज क्या है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि आपने ट्राइंगल ए बी डी पे एक सर्किल बनाया तीनों वर्टेक्स से सर्कम सर्किल, और ए डी सी में भी एक सर्किल बनाया सर्कम सर्किल, तो बोला गया कि बहुत सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो कॉन्ग्रेंट सर्किल का मतलब दोनों सेम होंगे, रेडियस दोनों की सेम होगी। तो देखो इस केस में क्या कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करते हैं अपन एक बार। एक सर्किल तो रफली ऐसे बना दिया, ये रफली डायग्राम है, तो कॉन्ग्रेंट सर्किल अगर ड्रॉ करोगे तो उसका मीनिंग क्या है, इधर देखो सब मेरी तरफ ब्लैक बोर्ड पे, एक बार रफ कॉपी में देखते हैं अपन। जैसे लेट एक सर्किल तो ये लिया अपन ने, देखो ये दोनों सर्किल अगर दो सर्किल ड्रॉ की, तो देखो इन दोनों सर्किल के केस में जो एडी है ना, एडी दोनों की कॉमन कॉर्ड है, दोनों की क्या, कॉमन कॉर्ड है। तो चलो पहले इन दोनों की कॉमन कॉर्ड बनाते हैं, ये सेकेंड सर्किल आपने रफली माना ऐसे बनाया, अभी इसको ड्राइव भी कर सकते हैं बट टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को अभी। ये अगर इसकी कॉमन कॉर्ड है, जैसे लेट इसका सेंटर ये माना, तो इससे आपने बनाई, ये दोनों को ज्वाइन किया ऐसे, इधर भी आप ऐसे इसमें ज्वाइन करो, ठीक है। तो बात को सुनना केयरफुली, आपने इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया, या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कॉमन कॉर्ड है आपकी, यह दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इन दोनों सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उन पॉइंटों पर अगर आप दोनों की टेंजेंट बनाओगे, इस C2 सर्किल की जो टेंजेंट बनाओगे आप, तो वो ऐसे होगी, इसकी टेंजेंट आप ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। आपने इसकी टेंजेंट तो बनाई ऐसे, बात को सुनना, ये C1 की टेंजेंट है आपकी ऐसे,
C1 की टेंजेंट बनाने के बाद जब आप इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर को ड्रॉ करोगे तो ये सेंटर पे मीट करेगी ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसके लिए टेंजेंट बनाओ आप यूं, इसकी टेंजेंट को जब अगेन ज्वाइन किया आपको तो वो उसके सेंटर पे ज्वाइन करेगी। तो देखो ये एंगल 90, ये भी एंगल 90, तो अपोजिट एंगल का सम भी क्या होगा, ये कौन साइक्लिक हो गया ना, क्या हो गया बोलो, कौन साइक्लिक। और उसके बाद खुद देखो ना, या फिर चलो इसको हटा दो, इसका रोल मतलब आपको सोचो आपने ये बनाया तो इन कुछ नहीं है, ये जो कॉमन कॉर्ड है आपकी, इन दोनों पॉइंटों को एक बार दोबारा देखते हैं। देखो उसका मीनिंग क्या है, ये एक ये फर्स्ट सर्किल था और ये सेकंड सर्किल है, ठीक है। ये दोनों की कॉमन कोड है, क्या बोलो, कॉमन कोड। तो देखो आप क्या करो, इस पॉइंट को इसके सेंटर से जोन करो और इसके पॉइंट को इस सेंटर से जोन। अब अगर दोनों कॉन्ग्रेंट है तो दोनों की रेडियस सेम होगी ना, तो चलो इसकी रेडियस आर है। फिर आप क्या करोगे, इसके सेंटर से इस पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो ये मिड पे ज्वाइन होगा ना। सिमिलरली अब मैंने इसका सेंटर माना, इसको दोबारा ज्वाइन करो, तो वंस अगेन दोनों की रेडियस सेम है तो ये भी इसी पॉइंट पे मीट करेगा ना। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे ना। अरे ये सुनो, तो ये दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। तो अब सुनो, ये दोनों की कॉमन कॉर्ड है और ये कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड से अगर आप सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल सबटेंड करोगे तो दिस एंगल अगर ए है तो ये 2a आ गया, और जब इधर बनाओगे अगेन तो अगर जब ये 2a तो ये भी 2a तो ये भी a होगा ना। इसका मीनिंग ये जो आपका ad है, ये जो ad है दोनों की कॉमन कॉर्ड है, तो कॉमन कॉर्ड एक कॉर्ड बोल सकते हैं, तो एक कॉर्ड आपकी दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे इक्वल एंगल बनाएगी। इसका मतलब ये जो c1 सर्किल आपका, लेट दिस इज c1 और लेट दिस इज c2, तो c1 सर्किल की रिगार्डिंग में क्या बोल सकता हूं कि जो ad कॉर्ड है लेटी सर्कम से सर्किल पे एंगल बी बनाती है, तो सेम कॉर्ड एडी C2 सर्किल पे एंगल क्या बनाती है, सी। तो बेटा ये दोनों एंगल सेम होंगे ना, मतलब एंगल बी और एंगल सी बोथ आर सेम। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, आपके आइसोसेलस ट्राइंगल होंगे, ठीक है। अब आप छोड़ो इसको, तो ज्यादा ये पता चल गया कि ये दोनों एंगल सेम है। अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ट्राइंगल ABC आपका क्या आ गया, आइसोसेलस ट्राइंगल आ गया। क्या गया बोलो, आइसोसेलस ट्राइंगल। अब कुछ नहीं, आप इजिली कर सकते हो, दोनों एंगल सेम है तो सीधा आ गया a+2b=π लिख सकते हैं। इसका यू जब वो देखना बाद में, ये लिखने के बाद अब आप मेरी तरफ देखो, आप पॉइंट ए से क्या करो, इस पे डालो परपेंडिकुलर। तो ये लेट परपेंडिकुलर मैंने m माना, तो देखो ट्राइंगल का एरिया लिखोगे हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो कितना होगा 14 और 4 18 इंटू हाइट इज am। अब आपको AM की लेंथ चाहिए, तो देखो AM की लेंथ के लिए क्या करोगे, एक बात सुनना थोड़ा केयरफुली, AM की लेंथ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये जो एंगल B है आपका, क्या बोलो एंगल B, ये ध्यान रखना ये लेंथ आपकी 13 है, ये लेंथ क्या बोलो 13, और देखो केयरफुली ये जो BD है, ये जो BD है, ये BD क्या है, इस C1 सर्किल के लिए कोड है, BD आपकी C1 सर्किल के लिए कॉर्ड है। तो पॉइंट ए से जब आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो देखो क्या होगा, ये इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन होगी, क्या होगी बोलो, इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन होगी। और अगर ये इसके मिड पॉइंट पे ज्वाइन होगी तो आप ऐसे समझ सकते हो, और या फिर एक काम और कर सकते कि टोटल लेंथ अगर मेरी कितनी है, ये टोटल लेंथ है आपकी, भाई देखो ये एंगल मेरा बी है, ये एंगल कितना है बी, और ये भी एंगल बी है, तो ये दोनों लेंथ क्या होंगी, सेम होंगी, ये दोनों लेंथ सेम है। तो अब अपन को सिंपल सी बात देखनी है, AM की लेंथ को करना है कैलकुलेट, तो ये 13 है और ये टोटल कितना है बोलो, 14 और 4 18 आ गया ना, 14 और 4 कितना आ गया 18, तो 18 आने के बाद देखो कैसे करना अपन को, तो देखो क्या हुआ इसमें, सिंपल सी बात ये कि अब अपन को AM की लेंथ को करना है कैलकुलेट। तो क्या किया देखो, जब आप पॉइंट ए से डालोगे परपेंडिकुलर, तो अब आपको पता है ना कि दोनों एंगल सेम है, तो दोनों साइड सेम है, तो अपने एक थ्योरम पढ़ी है ना कि ये दोनों साइड सेम है, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, अरे यार
आपने जब इस पॉइंट इसे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है। तो ये दोनों सेम है तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो ये लेंथ बीएम लेंथ और सीएम लेंथ आपकी सेम होगी। या फिर ऐसे समझो, आप एबीसी से एक ट्राइंगल पास करा दो, सॉरी सर्किल, तो एबीसी से सर्किल पास कराओगे उसके लिए बीसी क्या होगी, एक कॉर्ड है ना, तो अगर बीसी कॉर्ड है तो अगेन परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो एंगल सेम होगा, इस पर क्या होगा बोलो, सेम होगा। यस सर। तो इतना करने के बाद क्या करना मेरे को, तो ये टोटल 18 है तो ये 9 आ गया, ये 9 है तो ये 4 है तो ये 5 आ गया, ये 13 ये 5 तो ये कितना आ गया बोलो 12। तो AM की लेंथ तो आ चुकी है 12, तो 12 होगी तो एरिया तो जाएगा 108, ये 12 ये 9 तो 10 भी कितना आ गया, 10 भी आ गया 12/9। तो देखो ये 12/9 मेरा 1 से बड़ा है तो एंगल, ये वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो 10 भी आपका 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब एंगल भी मेरा 45 से ग्रेटर होगा, एंगल बी भी 45 से ग्रेटर होगा और सी भी 45 से ग्रेटर। तो एक मेरा सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ गया। और थर्ड ऑप्शन को लाने का, फोर्थ ऑप्शन के लिए काम करो ना, एंगल ए लिख दो सीधा, पाई माइनस 2 बी की वैल्यू 10 इनवर्स 12/5 लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 12/9। और ये लिखने के बाद इसमें अप्लाई कर दो 210 इनवर्स x का फॉर्मूला। बट आपने पढ़ा है कि x अगर मेरा 1 से ग्रेटर हो तो 210 इनवर्स x का फॉर्मूला क्या लगते हैं, पाई माइनस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या लगोगे बोलो, पाई माइनस सॉरी पाई प्लस 210 इनवर्स 2x अपॉन पाई प्लस 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे ही ये करोगे तो पाई से पाई कैंसिल होके एंगल आ जाएगा 10 इनवर्स 24/7। तो इसका फर्स्ट सेकंड और सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, ठीक है। तो मेन पार्ट ये था कि जो ये कॉर्ड है ये दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे सेम एंगल बनाएगी, तो ये एंगल दोनों सेम होंगे। और उसके बाद ये एंगल सेम है तो ये लेंथ सेम होंगी, तो ये दोनों लेंथ सेम है तो ये आप सबने पढ़ा हुआ है, देख लो दोबारा अगर किसी को दिक्कत हो। ये दोनों लेंथ सेम है और आपको इस पॉइंट से, कॉमन पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, बाकी कोई थ्योरम यूज मत करो उसमें, ठीक है। चलो उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया, एक अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5। R1 R2 आर दी डिस्टेंसेज ऑफ पॉइंट ऑन दी कर्व दिस पार्ट विच आर एट मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन। मतलब R1 R2 को क्या बोला गया, ओरिजिन से इस कर्व की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जाए, तो बताओ R1 R2 की वैल्यू क्या होगी। तो इस कर्व को देखो ढंग से, आपको जेड जेड बार दे रखा है तो जेड को लेट कर दो एक्स प्लस आईटा वाई, पहले इसका लोकस देखें आप तो इसमें जेड को पुट कर दो एक्स प्लस आईटा वाई, तो जेड को जब एक्स प्लस आईटा वाई लोगे तो जेड बार कितना आ गया एक्स माइनस आईटा वाई। तो देखो जेड इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आ गया 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 3 आयोटा ब्रैकेट में जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर। तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस के 2x वाई आयोटा, और इससे आ जाएगा अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस के 2x वाई आयोटा, और जब माइनस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या जाएगा 4xy आयोटा माइनस के 16 इक्वल टू 0, आयोटा आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर तो प्लस हो गया ना, तो फाइनली कर्व आ गया 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर प्लस 12xy इक्वल टू 16। यस सर, ये एक सेकंड डिग्री का कर्व है और उसको केयरफुली देखना। जब आप इसमें डेल्टा की वैल्यू लिखोगे, डेल्टा का मतलब जानते हो ना, डिटरमिनेंट ऑफ एबीसी एचजीएफ एचजीएफ, तो उसका डेल्टा नॉन जीरो आने वाला है। और किसी भी सेकंड डिग्री कर्व का डेल्टा नॉन जीरो हो तो फिर अपन देखते हैं एच स्क्वायर माइनस एबी की वैल्यू। अभी समझ जाओगे आप, इसमें एच स्क्वायर माइनस एबी, एच का मतलब एक्स वाई के कोफिशियंट का हाफ, तो ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। और ये पता है कि डेल्टा नॉन जीरो हो और एच स्क्वायर माइनस एबी की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो कर्व कौन सा होगा, एक एलिप्स है, ये आपका एक एलिप्स है। अब अगर ये एलिप्स आ गया, ये सेकंड डिग्री का कर्व, तो एक बार आप इसका सेंटर चेक करो। ये आप सबने पढ़ा होगा कि सेकंड डिग्री का कर्व गिवन हो और उसका सेंटर चेक करना है, तो एक बार तो एक्स के रेस्पेक्ट में करो डिफरेंशिएशन वाई इज ए कांस्टेंट, एक बार करो वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक्स एज इज ए कांस्टेंट। जब ये कार्यक्रम करोगे ना तो उससे इसका सेंटर आने वाला 0 0, मतलब ये एक जनरल एलिप्स है बट उसका सेंटर है 0 0। तो देखो इसका रफली डायग्राम बना दिया मैंने,
ये एक इलिप्स है जिसका सेंटर जीरो जीरो है। तो अब क्वेश्चन ने क्या बोला गया है, जीरो जीरो से इस इलिप्स की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो एक काम करो, लेट इस ओरिजिन से मैंने इस पे एक पॉइंट माना पी, पॉइंट पी मान लो आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा, एक नॉर्मल पॉइंट लेट किया है। ये पॉइंट मानने के बाद देखो सुनो इसका मीनिंग क्या है, लेट ये एंगल मेरा थीटा है और ये डिस्टेंस मेरी आर है, ओपी की लेंथ आर है, तो आ गया ना पॉइंट पोलर फॉर्म में आर कोस कोमा आर साइन। इसका मतलब आपको ये आर ही बताना है, ये आर की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है। तो अब क्या करना है, इस पॉइंट को इसमें पुट करोगे ना तो ऑटोमेटिक अपन टेक्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार, तो बस कुछ नहीं, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। तो जैसे ही आप पॉइंट को पुट करोगे देखो क्या गया, टेन आर स्क्वायर कोस स्क्वायर, टेन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो टेन आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो वन आ गया, तो ये तो आ गया टेन आर स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। इधर साइन कोस लोगे एक्स वाई की वैल्यू तो क्या गया आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 12 आर स्क्वायर साइन कोस, तो 12 में से 2 के साथ भेज दो तो कितना आ गया 6 आर स्क्वायर साइन 2 थीटा, यस सर, और इक्वल टू कितना आ गया 16। आपको आर की वैल्यू चाहिए तो एक काम करो आर स्क्वायर कॉमन लो और बाकी पार्ट को ले जाओ डिवाइड में। जैसे ही रिमेनिंग पार्ट को डिवाइड में लेके जाओगे तो देखो क्या करना, अपन कुछ हटा देते हैं इधर से, तो क्या आ गया देखो आर स्क्वायर इक्वल टू 16 अपॉन 10 प्लस 6 साइन 2 थीटा, यस सर। इतना आने के बाद आप देखो इस आर स्क्वायर की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको करना, क्योंकि आर स्क्वायर मैक्स आ गया तो आर की वैल्यू देख लेंगे मैक्सिमम क्या होगी। तो आर स्क्वायर मैक्सिमम क्या होगा, जब अपॉन में मिनिमम वैल्यू पुट करोगे, कॉन्स्टेंट अपॉन मिनिमम इज मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या लोगे -1, तो 10 माइनस 6 4, 16 अपॉन 4 इज 4, तो आर स्क्वायर मैक्स 4 आ गया, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2 होगी ना। सिमिलरली आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना अपन को, इसको मैक्सिमम लेना 1, तो 10 और 16 आ गया, 16 अपॉन 16 मेरा 1 आ गया, तो आर स्क्वायर मिनिमम 1 आ गया, तो आर मिनिमम कितना आ गया 1, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो तो 2 होगी, तो मैक्सिमम को तो बोला गया आर 1, तो R1 तो 2 आ गया और ये 1 आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग एक तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा और दोनों का समेशन 3, ठीक है। तो इसमें मेन यही था कि ये जो सेकंड डिग्री का कोनिक सेक्शन है इसको चेक करो कि कोनिक सेक्शन कौन सा है। कोनिक सेक्शन चेक करने के बाद मेन पार्ट ये है कि इसका सेंटर 0 0 बेटा, और अगर सेंटर 0 0 आ गया तो आपसे क्वेश्चन में पूछा यही है कि सेंटर से मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बताओ, तो देन आप क्या करो इसमें पोलर फॉर्म में थीटा और आर मानोगे, तो देन आपको आर की वैल्यू ही बतानी है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना अपन को, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 2 3 4 हुज सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 10। आपको 6 डिजिट के नंबर फॉर्म करने जिनकी डिजिट का सम क्या आना चाहिए, बोलो 10 आना चाहिए, इज इक्वल टू द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं क्योंकि उसको यूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन बोला गया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 डिफरेंट फ्लावर्स इन ए सर्किल, 6 डिफरेंट फ्लावर्स को एक सर्किल पे अरेंज करने के मेथड फैक्टोरियल n माइनस 1, तो फैक्टोरियल 5 इज 120 आंसर आ गया। तो मतलब अपन को देखना है कि अपने क्वेश्चन की वैल्यू क्या आती है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन टिक करोगे। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 ऑरेंज अमंग 3 बॉयज शो दैट ईच गेट एट लीस्ट 1 ऑरेंज। तो आप सबने पढ़ा हुआ है कि x1 कोई भी इक्वेशन गिवन है उसके पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, यही तो हो गया n माइनस 1 cr माइनस 1। अरे इसको ऐसे समझो आप, अपन को 3 वॉयज हैं उनके नेम दे दो x y z, तो उनको जो आप ऑरेंज डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका समेट आना चाहिए, और x y z तीनों 1 से स्टार्ट है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा n माइनस 1 cr माइनस 1, तो कितना आ गया 7c2, तो कितना जाएगा 21, ये तो 21 आ गया। उसके बाद x y z के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो एक्स वाई जेड के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन में क्या करते हैं, देखो सबसे पहले एक काम करें आप, इसके करो फैक्टर, तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू लिख सकते हैं ना इसको 50 इंटू 3, और 50 का मतलब हाँ तो 5 स्क्वायर आ गए लो। अब अपन को करने का एक्स वाई जेड में
दो को एक बार, तीन को एक बार, पांच को दो बार डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके बाद जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक कितना जाएगा 150। इसको कैसे करते हैं, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने की। फिक्स मेथड है, इसको ऐसे लिखोगे लेट x का मीनिंग लिखा मैंने x इक्वल टू 2 की पावर अल्फा 1 इंटू 3 की पावर बीटा 1 इंटू 5 की पावर गामा 1। इसका मतलब क्या है, आपने जो नंबर x है इसमें 2 को अल्फा 1 टाइम्स पुट किया है, पावर 1 है तो वो देख लेंगे बाद में, 3 को बीटा 1 टाइम्स पुट किया और 5 को गामा 1 टाइम। ऐसे y के लिए लिखोगे 2 को पुट किया मैंने अल्फा 2 टाइम्स, 3 को बीटा 2 टाइम्स और 5 को गामा 2 टाइम्स। ऐसे ही आप z के लिए लिखोगे, तो अपन को x y z का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 की पावर होगी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, बट 2 की पावर कितनी है 1, इसका मीनिंग अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 मेरा 1 आना चाहिए, और अगेन बीटा 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 भी मेरा 1 आना चाहिए, एंड गामा 1 प्लस गामा 2 प्लस गामा 3 अपना 2 आना चाहिए, क्योंकि 5 की जो पावर है उनका सम 2 आना चाहिए। इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 0, जैसे इसमें 2 को एक बार ना लो, इधर एक बार भी ना लो, इधर एक बार लो, तो आगे मल्टीप्लाई करने पे 2, ठीक है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये सारे के सारे 0 से स्टार्ट हैं, तो इसका मतलब इक्वेशन के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन का फॉर्मूला n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना तो शायद ये सोल्व करने पे वैल्यू आती 54 या जो भी है वो देखना, ठीक है। और अगला है नंबर ऑफ फोर डिजिट नंबर्स विच इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, चार डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन से, तो क्या करोगे, ये लो फोर डिजिट का नंबर मान लो, इसको बढ़ने के तरीके 5, इसको 4, इसको 3, इसके 2, तो क्या आ गया, 120। यस सर, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो 120 है, सेकेंड 21 है और थर्ड ऑप्शन है 54 के अप्रोक्सीमेट, ठीक है, देख लेना इसको। अब अपन को देखते हैं कि इसको सॉल्व करने पे जो आंसर है वो किस किस ऑप्शन से मैच कर सकता है, ठीक है। चलो तो इसको रिमूव कर दें एक बार, ध्यान रखना, देखो अपन को 6 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 2 3 4 को यूज करना है और उसका सम 10 आना चाहिए, तो इसमें लिमिटेड केस बनेंगे, उनको लिख के देखते हैं अपन। देखो सम 10 कब कब आ सकता है, इधर देखो 1 1 1 1 4 4 5, तो 5 तो ले नहीं सकते ना, तो मैंने एक बार क्या किया, मैंने 1 को लिया मैक्सिमम बार, तो 1 को 6 बार तो ले नहीं सकते, फिर तो सम 6 होगा। 1 को 5 लेने पे सम 5 और एक और लेना है, तो 5 है नहीं अपने पास, तो इसका मतलब मैक्सिमम 1 में 4 बार ले सकता हूँ, तो चलो 1 को तो 4 बार लो, तो फिर एक बार 2 ले लेते हैं, तो 4 2 6 और 4 10, चलो एक पेयर तो ये बन गया। उसके बाद अगर आपने ये माना कि चलो एक काम करो, इसको 3 मान लेते हैं, तो पढ़ो दोबारा 4 3 7 और 3 10, हाँ चलो ये भी सेट हो गया, मतलब आपने 1 को 4 बार लिया तो 2 4 ले सकते हैं और 3 3 ले सकते हैं। अब मैंने 1 को थोड़ा कम किया 3 बार, देखना एक बार फिक्स है, 1 को 3 बार लेने के बाद अगला क्या ले सकते हैं, एक बार 2 ले लेते हैं, तो कितना आ गया, 5 आ गया ना, और 5 और 3 8 और 8 और 2 10, इसका मतलब 3 बार 1 लो, 2 बार 2 लो, 1 बार 3 लो, ये भी आ सकता है। और अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है 3 बार 1 लेने पे जब आपने इनको इंक्रीज किया तो 2 3 4 आ गया, अब तो 4 आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि 4 लेने का मतलब एक 1 लेना पड़ेगा, तो वो ऑलरेडी ऑप्शन आ चुका है, तो ये पेयर होंगी। उसके बाद अगली पेयरिंग क्या, देखो अब आप 2 बार 1 लो, 2 बार 1 लेने के बाद मैंने क्या लिया, फिर 2 लिया, 2 4 2 6 2 8 और 2 10, एक ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है। तो केवल 4 पेयर होंगी, आप और कुछ भी करके देख लेना, कभी आ ही नहीं सकता, जैसे 2 4 3 ले लिया तो 7, तो फिर दोबारा 3 लाने के लिए 1 2 लेना पड़ेगा, वो ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अपन को 1 1 ले लिया तो फिर बड़े लेने, तो बड़े लेने का एक ही ऑप्शन है ये। अब तो दिक्कत क्या है, 4 1 है, 1 2 1 4 है, इन 6 नंबर को लेके, 6 डिजिट को लेके टोटल नंबर कितने फॉर्म होंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वंस अगेन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4, क्योंकि 1 4 बार रिपीट है, 2 3 2 बार रिपीट है, इसमें भी क्या होगा, 2 2 बार है और 1 3 बार है, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। यस सर, और अगले में लास्ट इज फैक्टोरियल 6 अपॉन बोलो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, क्योंकि 1 2 बार है, इन सबको जब सोल्व करोगे तो आंसर 120 आने वाला है, ठीक है।
ये खुद गणना गुणा भाग, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ये पेयरिंग आपको लिखनी पड़ेगी, बाकी कोई ऑप्शन नहीं क्वेश्चन को करने का, ठीक है। चलो तो अभी इसका फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा 120, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लेट द इक्वेशन दिस पार्ट हैज ऑल इट्स रूट्स पॉजिटिव। इस इक्वेशन के रूट सारे के सारे पॉजिटिव बोले गए और रियल बोले गए। a1 आपको 1 गिवन है, a7 आपको -4 गिवन है और a0 गिवन है आपको 1/2। देन आपको a1 और a2 और a3 की वैल्यू को देखना है। देखो कैसे करोगे, करते हैं स्टार्ट। सारे के सारे रूट रियल भी है, पॉजिटिव है, तो इसके रूट मान लेते हैं अपन α1, α2 और α8। तो ये सबको पता होगा ये फॉर्मेट, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो पहले लिखते हैं सम ऑफ रूट सिग्मा अल्फा। सिग्मा अल्फा का मतलब α1 प्लस α2 प्लस α8, इसका सम कितना होगा? माइनस के a7 अपॉन a8। यस सर। और देखो ढंग से, आपको a7 8 गिवन है तो -4, तो ये आ गया 4। सिग्मा अल्फा आपको 4 गिवन है, मतलब सारे रूट का समेशन 4 गिवन है। अब एक बार कर दो सबका प्रोडक्ट, मतलब α1 α2 α8, इन सबका जब प्रोडक्ट करोगे तो ये थोड़ा पता होना चाहिए कि जब स्टार्टिंग ये पावर इवन हो ना तो लास्ट में बेटा प्लस ही आता है, ध्यान रखना। लास्ट में तो क्या आएगा, प्लस आने वाला है। तो ये प्लस आ गया तो ये आ जाएगा a0 अपॉन a8 और a0 की वैल्यू तो लेनी है मेरे को 1/2 और a8 1 लेना है, तो ये आ गया 1/2। ये सम ऑफ रूट है, ये सारे रूट्स का प्रोडक्ट है। यस सर। सारे के सारे रूट आपको पॉजिटिव बोले गए हैं, तो ध्यान रखें जब भी ऑल रूट्स आर पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव नंबर की बात करें तो आप अप्लाई करो एम ग्रेटर देन जीएम। एम जीएम अप्लाई करने पे क्या आएगा, सारे रूट का सम तो आ गया सिग्मा अल्फा अपॉन 8 ग्रेटर देन इक्वल टू सारे रूट का मल्टीप्लाई ई पावर 1/8, तो सारे रूट का मल्टीप्लाई 1/2। 8 से 8 कैंसिल तो 1/2 आ गया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो देन सिग्मा अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया 4। मतलब ऑल रूट का समेशन क्या होगा, 4 और 4 से ग्रेटर। बट अपने क्वेश्चन में ऑल रूट का समेशन 4 आ रहा है, इसका मतलब इस एम जीएम में आपको इक्वल टू की कंडीशन को लेट करना पड़ेगा। और एम इक्वल टू जीएम अगर लेट करोगे तो देन एम जीएम आर इक्वल व्हेन ऑल नंबर्स आर साइमल्टेनियसली इक्वल। जिन नंबर्स में आपने एम जीएम अप्लाई किया वो सारे के सारे नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका मीनिंग α1 α2 α8 सारे के सारे नंबर इक्वल हैं। और सुनो मुद्दे की बात, सारे के सारे रूट इक्वल हैं तो सारे के सारे 1/2 हो जाएंगे ना, क्योंकि जब भी तो सम 8 आ सकता है। तो फाइनल हो गया कि सारे के सारे रूट है उनकी वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब सब रूट आपके 1/2 आ गए, तो अब क्वेश्चन क्या करना है, देखो a1 की बात की गई है। a1 का मीनिंग क्या है इसमें, a1 का मीनिंग होगा x का कोफिशियंट। तो इसका बेटर ऑप्शन भी है अपने पास, या तो एक काम करो सभी, अपन को एक तो फाइंड आउट करना है a1 और एक फाइंड आउट करना कौन a2। तो a1 a2 सारे इधर ही होंगे ना, तो इसमें एक काम करो, जो ये अपनी इक्वेशन है ना इसमें x को रिप्लेस कर दो 1/x, क्योंकि इस इक्वेशन में जब x को 1/x करोगे तो अपॉन में x की पावर 8 7 6, तो x की पावर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन रिवर्स बन जाएगी आपकी, a0 x की पावर 8 प्लस a1 x की पावर 7 प्लस a2 x की पावर 6 अप टू सो ऑन। यस सर। और मुद्दे की बात क्या है कि किसी भी इक्वेशन में जब आप x को 1/x से रिप्लेस करते हो तो जो ओरिजिनल न्यू इक्वेशन है उसके रूट्स ओरिजिनल इक्वेशन के रूट्स के रेसिप्रोकल बन जाते हैं। ये एचपी की कंडीशन है, ठीक है, कि किसी इक्वेशन के रूट अगर एचपी में गिवन हो और आपको उसके रूट्स करने फाइंड आउट, तो अपन क्या करते हैं उस इक्वेशन में x को 1/x रिप्लेस करेंगे बेटा, तो जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट बन जाते हैं एपी में। और एपी में रूट मानना बहुत सिंपल है, a-d a+d अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये करने से क्या आ गया, इस इक्वेशन के रूट क्या बनेंगे सारे के सारे 2 2 2, क्योंकि इसके रूट 1/2, तो ये सारे के 2 हैं। अब a1 का मतलब क्या होगा, प्लस माइनस, तो समेशन ऑफ रूट आ गया सिग्मा अल्फा इज माइनस के a1 अपॉन a0। टोटल 8 रूट हैं, तो 8 को कितनी बार जोड़ना है, 2 को कितनी बार जोड़ना है, 8 बार, तो 16 आ गया ना, तो क्या आ गया 16 इक्वल टू माइनस के a1 अपॉन a0, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि a1 तो कितना गिवन है आपको, a1 तो गिवन है आपको, a1 तो करना फाइंड आउट, तो a0 की वैल्यू कितनी है, a0 की वैल्यू गिवन है आपको 1/2, तो माइनस 16 अपॉन 2 की पावर 8, तो माइनस के 1/2, तो ये लो फर्स्ट ऑप्शन आ गया।
ऐसे ए टू के लिए क्या करोगे, दो दो के प्रोडक्ट का सम, टू टू के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, लिख सकते हैं सिग्मा अल्फा बीटा इज, दो दो के प्रोडक्ट का समेशन इज सिग्मा अल्फा बीटा इज ए टू बाय ए नॉट, और सिग्मा अल्फा बीटा का मतलब क्या, दो दो के प्रोडक्ट, तो टोटल आठ रूट है, तो दो दो के पेयर कितने होंगे, एट सी टू, एक बार में दो पकड़ने हैं तो एट सी टू की वैल्यू क्या होगी, आठ गुणा सात अट्ठाईस हो जाएगी ना, तो कितना जाएगा, कर्णा गुणा भाग 28 इंटू ए नोट को इधर ले आओ, तो ए नोट की वैल्यू कितनी है, 1/2 की पावर 8, तो चार बार कट गए, तो चार बार कैंसिल करने पे क्या आ गया, 6 आ जाएगा, ठीक है, अरे 2 की पावर 2 × 7 आ गया, तो 2 की पावर 6 हो गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर कौन सा जाएगा बताओ, ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हो आप, 8C2, 8 × 7/2, तो चार सच्चों के 28 इक्वल टू ए टू अपॉन ए नोट, ए नोट की वैल्यू पुट कर दो, तो ए नोट की वैल्यू पुट करोगे तो सोल्व होकर आपको ए टू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ऐसे ए थ्री भी कर सकते हो, ठीक है, ए थ्री में अपन को तीन तीन की पेयरिंग करनी पड़ेगी, तो देखना एक बार इसका ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट आता है, ठीक है, चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद एट क्वेश्चन क्या, देखो आपको E1 E2 आर टू इलिप्स गिवन है दिस एंड दिस, देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इलिप्स E1 एंड E2 इज ए सेट ऑफ कर्व कंपेराइजिंग, सिंपल सी बात ये है, क्वेश्चन में बोला है कि जो इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उन इंटरसेक्शन पॉइंट का जो लोकस है, यह जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो किस कर्व पे लाई करते हैं, then the locus of the point of intersection of the ellipse E1 and E2 is a set of curve comprising, मतलब दोनों एलिप्स का, समझ सकते हो आप इसको एक बार, जैसे लेट एक एलिप्स तो ये माना मैंने, एक लेट इसको ये कट करता है, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइज विच कर्व, इनका जो लोकस है, लोकस का मतलब ये चारों पॉइंट किस कर्व पे लाई करते हैं वो अपन को करना फाइंड आउट, तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सी बात है, आपको इन इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस चाहिए, तो कैसे भी करके इंटरसेक्शन पॉइंट को करो फाइंड आउट, तो इसमें ट्विस्टिंग पार्ट ये, एक ऑप्शन तो क्या है, आप आराम से वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर जाएगा वाई स्क्वायर जाएगा, बाद में सिंप्लीफाई कर दो, और दूसरा मेथड क्या है, देखो ढंग से, ये जो दोनों एलिप्स हैं, इन दोनों एलिप्स में अगर आपने एक्स को वाई से रिप्लेस किया और वाई को एक्स से रिप्लेस करोगे, तो बोथ आर इंटरचेंजेबल टू ईच अदर, ये दोनों कर्व क्या होंगे, एक दूसरे में इंटरचेंज होंगे, इसका मतलब ये सबने पढ़ा होगा कि किसी कर्व में, ये दो कर्व में एक्स को वाई और वाई को एक्स से रिप्लेस करने पे बोथ कर्व्स आर इंटरचेंज इनटू ईच अदर, तो देन बोथ कर्व्स आर सिमेट्रिक अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, ये दोनों के दोनों कर्व आपके क्या होंगे, वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, इसका मतलब जब दोनों के दोनों कर्व वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मीनिंग इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन पे लाई करने वाले हैं, यस सर, तो कुछ नहीं करना, सिंपल इसमें वाई को एक्स के इक्वल मान सकते हैं, तो वाई को एक्स मानोगे तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ये भी एक स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1/a² + 1=1, तो देन इसको इधर भेजने पे आ गया, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, a² / 1+a², एक्स स्क्वायर ये आ गया तो वाई स्क्वायर भी ये होगा, तो वाई स्क्वायर भी आ गया a² / 1+a², यस सर, ये आने के बाद क्या करना है, दो तरीके हैं, सबसे पहले तो क्या करो, एक बार तो आप फटाफट से इन दोनों वैल्यूज को कर दो इक्वल, इन दोनों वैल्यूज को क्या करो इक्वल, इन दोनों वैल्यूज को इक्वल करोगे तो क्या आ गया, x² = y², अरे ये इंटरसेक्शन पॉइंट ही एक तरीके से एक्स और वाई, तो ये आ गया x = ±y, तो एक तो आंसर आ गया 2 स्ट्रेट लाइन, और एक बार दोनों को जब ऐड करोगे तो ऐड करने पे आ गया x² / y² = constant, क्या आएगा x² / y² = constant आ जाएगा, तो ये x² / y² = constant आ गया, इसका मतलब ए कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, ए जे पैरामीटर तो है, तो कॉन्स्टेंट ही ना जो भी है, इसका मतलब एक ऑप्शन इसका वन सर्किल आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, एक सर्किल इसका आंसर हो सकता है, तो इसके फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट होंगे, ठीक है, चले उसके बाद देखो क्वेश्चन 9 क्या है, x > 1 देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस पार्ट, इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको करने फाइंड आउट, तो देखो इसमें क्या करना है, थोड़ा केयरफुली देखोगे ना तो इन सब में देखो ये जो पार्ट है इनमें मैं अप्लाई कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन, तो इसमें एक काम कर सकते हैं, पुट x = tan थीटा, क्योंकि
एक्स को जब टेन थीटा पुट करोगे तो क्या जाएगा, देखो सभी लिख सकते हैं सीधा, थ्री साइन इनवर्स साइन टू थीटा, यस सर, माइनस फोर कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा, प्लस टू टेन इनवर्स टेन ऑफ टू थीटा, यस सर, इक्वल टू लिखना माइनस के पाई। अब इसके बाद फर्दर सोल्व कैसे करना है वो देखो, अपन ने सबने पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कब कर सकते हैं, जब ये अंदर वाला एंगल माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बिटवीन होगा। तो देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में एक्स अगर वन से ग्रेटर है मतलब टेन थीटा वन से ग्रेटर है तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई फोर से ग्रेटर, मतलब पाई बाई फोर से पाई बाई टू, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, पाई बाई फोर से पाई बाई टू। तो बेटा अगर थीटा पाई बाई फोर से पाई बाई टू है, हमारे क्वेश्चन में सब जगह टू थीटा है ना, तो टू थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो, पाई बाई टू से पाई। तो अब देखो साइन और टेन में तो कब कैंसिल कर सकते हैं, जब थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो, और कॉस में कब कैंसिल करोगे, जब थीटा जीरो से पाई हो, तो इसमें तो सीधा कैंसिल आउट कर दिया मैंने, इसमें क्या करोगे, इसको लिखना पड़ेगा साइन पाई माइनस टू थीटा, ये आना चाहिए क्योंकि साइन पाई माइनस टू थीटा साइन टू थीटा। और अब देखो टू थीटा की वैल्यू को जब पाई बाई टू से पाई लोगे ना, तो ये जो इंटरवेल है ये ऑलवेज माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगा। अब देन आपको इसको कैंसिल कर सकते हो, तो क्या आ गया, थ्री इंटू पाई माइनस के टू थीटा, यस सर, उधर तो सीधा आ गया एट थीटा, प्लस इधर क्या करना है देखो, इसको भी यही प्रोसीजर है, इसको लिखोगे टेन पाई माइनस टू थीटा, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, ये सही बात है क्योंकि अब टू थीटा की वैल्यू ये लोगे ना, तो ये वैल्यू माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू होगी, बट आपने जिस पार्ट को जिस पार्ट में इंटरचेंज किया, इसका मीनिंग जब आप बैक ट्रैक करोगे दोबारा ऊपर जाओगे तो क्वेश्चन तो सेम आना चाहिए ना। तो देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, टेन पाई माइनस टू थीटा इज माइनस के टेन टू थीटा, इसका मतलब ये करेक्ट कब होगा, जब मैं प्लस की जगह माइनस मानता हूँ, क्योंकि अरे यार माइनस लगा दिया ना, तो देखो टेन पाई माइनस टू थीटा इज माइनस के टेन टू थीटा, तो माइनस को भालोगे तो प्लस आ गया, ठीक है। अब सीधा कैंसिल कर दो तो कितना आ गया, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस के टू पाई माइनस टू थीटा इक्वल टू माइनस के पाई। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते, तो देखो कितना आ गया, थ्री पाई माइनस के टू पाई, तो थ्री पाई माइनस के टू पाई प्लस के पाई, उधर जाके आ गया माइनस के टू पाई, यस सर, ये लो। फिर आते लेफ्ट में, लेफ्ट में क्या होगा, माइनस के सिक्स थीटा, माइनस के सिक्स थीटा और माइनस के एट, तो माइनस के फोर्टीन थीटा, और माइनस प्लस के चार थीटा, तो माइनस के फोर्टीन में से प्लस के चार गए तो माइनस के टेन थीटा, यस सर, माइनस से माइनस चला गया तो देन इससे थीटा आ गया पाई बाई सिक्स, सॉरी पाई बाई फाइव, तो टेन थीटा आ गया पाई बाई फाइव, पाई बाई फाइव का मतलब हो गया 36 डिग्री, 180 में 5 का भाग दोगे, और 36 डिग्री का मतलब टेन थीटा 36 है, तो टेन थीटा की वैल्यू 36 डिग्री, अरे आप ये पाई बाई फाइव मान लो ना, इसका मतलब टेन थीटा कौन था मेरा, एक्स था ना, तो एक्स मेरा पाई बाई फाइव है, तो पाई बाई फाइव मेरा वन से छोटा है ना, बट क्वेश्चन में एक्स क्या था, वन से ग्रेटर, क्योंकि जो इक्वेशन सॉल्व किया वो आपने वन से ग्रेटर के लिए सॉल्व किया है, तो देन इसका आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन, तो एक्स की वैल्यू जीरो होगी, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इसके क्या होंगे, जीरो सॉल्यूशन, तो इसका ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपको टिक करना, ठीक है, चलें। ठीक है, अब अपन इसके बाद बात करते हैं सेक्शन डी की, इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं बनो भाई बन स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या बोला गया, ए स्लिप ऑफ पेपर इज गिवन टू ए पर्सन ए हुज मार्क्स इट विद आइदर ए प्लस और ए माइनस साइन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज राइटिंग प्लस इज 1/3। क्या मीनिंग है, एक स्लिप है, कोई भी चिट लेट कर सकते हो, उस स्लिप को आपने पर्सन ए को दिया, उस पर्सन ए उस पर क्या करता है, चिट पे या उस स्लिप पे या तो प्लस साइन लिखता है माइनस साइन, तो उसने बोला कि अगर वो उस पर प्लस साइन राइट करता है लिखता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 की बने। ए पासेज दी स्लिप टू बी, ए उस स्लिप को बी को पास करता है, और बी भी सेम काम कर सकता है, उस पर साइन को चेंज कर सकता है, जैसे ए ने प्लस लिखा तो बी उस पर माइनस लिख सकता है दोबारा, या अगेन प्लस लिख के उसको अगेन सी को सेंड करता है, सी क्या करेगा उसको सेम साइन या साइन को चेंज करके प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस, तो उसको डी को सेंड कर देता है। तो फाइनली क्वेश्चन ने क्या बोला गया, ये डी तक प्रोग्रामिंग चलानी है, ए बी सी डी चेंज दी साइन, बी सी डी ने साइन को चेंज किया, जैसे ए ने प्लस लिखा फिर ए ने बी को सेंड किया, तो ए ने प्लस भेजा तो बी के पास प्लस पहुंचा ना, अब बी ने प्लस की जगह माइनस कर दी, इसका मतलब उसने साइन को चेंज किया है,
तो बी और सी के द्वारा साइन को चेंज करने की जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो 2/3 गिवन है, और ए के द्वारा उस पर प्लस लिखने की प्रोबेबिलिटी आपको 1/3 गिवन है। तो देन क्या बोला गया है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओरिजिनली राइटिंग दी प्लस साइन इज पी अपॉन क्यू। हाँ, इसमें एक बात और बोली गई है कि डी पासेज इट रेफरी, डी ने उसको रेफरी को पास कर दिया, मतलब लास्ट में किसी एक पर्सन को पुट कर दिया, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि स्टार्टिंग में जो ए है उसने उस पर प्लस लिखा होगा, आपको स्टार्टिंग में ए ने प्लस लिखा है इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो अपन इसको करते हैं स्टार्ट, कैसे करना है क्वेश्चन को, ये सारा कुछ आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हो जाए स्टार्ट, देखो सभी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट कर सकते हैं इसको अपन, एक मिनट रुको, इसमें एक पेज चेंज करते हैं अपन। बस ध्यान रखें ए के द्वारा प्लस लिखने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और उनके द्वारा चेंज करने की प्रोबेबिलिटी 2/3, बस इसको फोकस करना है। देखो लिख देते हैं, हाँ, तो जैसे लेट ए है, इसमें कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। क्वेश्चन में पूछा गया कि ओरिजिनली ए ने उस पर प्लस साइन लिखा है, तो बताओ ए ने उस पर प्लस लिखा है तो उसकी प्रायोरिटी बतानी है अपन को। तो इसमें दो बातें हो सकती है ना, जैसे मैंने एक स्लिप दी ए को, मैं रेफरी हूं, लेट ए ने ए को स्लिप दी, तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो ए प्लस लिख के सेंड करेगा ये ए माइनस लिख के, तो दोनों केसेज की बात करते हैं, एक बार प्लस लिख के और एक बार माइनस लिख के। तो चलो ए ने तो पहले लिखा प्लस, ए ने प्लस किया, और जो डी है लास्ट में, डी के पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, मेरी बात को थोड़ा सुनना क्योंकि इससे टाइम बच जाएगा आपका, कैसे जल्दी होगा। ए ने फिक्स कर दिया कि सबसे पहले मैं प्लस ही लिखूंगा, तो ये देखना है कि प्लस के कितने ऑप्शन बन सकते हैं। ए का तो प्लस फिक्स कर दिया आपने, अब जो डी है उस डी पे क्या क्या हो सकता है, डी पे या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो चलो डी पे एक बार मैंने प्लस मान लिया कि चलो डी के पास भी प्लस पहुंचा, माना डी के साथ क्या पहुंचा, माना प्लस पहुंचा। तो अब देखो बी और सी को भरने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस या दोनों माइनस, ये हो सकता है। बात सुने, मैंने ए पे भी प्लस मान लिया और डी पे प्लस मान लिया, तो ये हो सकता है। उसके बाद और क्या कर सकते हैं अपन, अपन को डी पे क्वेश्चन ने बोला गया है अपन से कि इस बात की प्रॉपर्टी बताओ कि ओरिजिनली जो ए पर्सन था उस ए पर्सन ने उस पर प्लस लिख के आपको सेंड किया है, इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन का आंसर देना है। तो देखो क्या करोगे, हाँ तो देखो कैसे करना है, तो सिंपल सी बात ये है इसमें कि अपन को बताना है क्या कि ए के पास जब आपने स्लिप को दी, दोबारा सुनो थोड़े ढंग से, तो ए या तो प्लस लिख के सेंड करेगा या माइनस लिख के। तो इसमें क्या बोला गया अपन से कि ए ने प्लस लिखा, तो जब उस डी ने रेफरी को स्लिप दी तो उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि रेफरी के पास प्लस साइन पहुंचा, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि मतलब डी ने जब सेंड किया तो रेफरी के पास प्लस साइन पहुंचा, इसका मतलब फिक्स हो गया कि डी ने उस पे प्लस लिख के दिया हमेशा, तो इसलिए मैंने डी पे प्लस माना है। ए पे प्लस भी हो सकता है और ए पे माइनस भी हो सकता है, तो जब डी पे प्लस फिक्स किया तो ये चार कॉम्बिनेशन होंगे ना, दोनों प्लस दोनों माइनस एक प्लस और एक माइनस। और उसके बाद अगला केस, अगर इस पे चारों के चारों माइनस मानते हो आप, इसमें भी चार केस बनेंगे आपके, ये तो फिक्स है मेरे को डी पे तो प्लस ही लेना है, तो क्या होगा वही सेम माइनस 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 प्लस प्लस माइनस या दोनों के दोनों प्लस। तो ये तो क्या है कि ए ने स्लिप पे ए प्लस सेंड किया हो और ये क्या है उसने माइनस सेंड किया हो, बट डी पे पहुंचा मेरे पास स्लिप प्लस वाली है, क्योंकि रेफरी के पास जो स्लिप मिली है डी वाली वो प्लस वाली दिखी है। तो अब क्या करना है, देखो इसमें सैंपल स्पेस का मतलब हो गया पूरा का पूरा पार्ट कि ए ने प्लस लिखा हो या बी ने माइनस और रेफरी के पास पहुंचा है प्लस साइन, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ओरिजिनली जो ए ने सेंड किया है वो प्लस साइन होगा। तो ये क्वेश्चन है आपकी वेस थ्योरम का क्वेश्चन है, इसमें दो इवेंट है, इसको इवेंट ए लेट कर दो, इसको इवेंट ई टू लेट कर दो, यस सर। तो अपन को क्या करना है, इसको सीधा सैंपल और फेवरेबल केस से समझो आप, सैंपल स्पेस में तो क्या करोगे सारी प्रोबेबिलिटी की जोड़ के फेवरेबल केस में इवन वाली प्रोबेबिलिटी लिख के डिवाइड कर दो, आपका आंसर जाएगा। तो देखो एक लिख के बता दो मैं आपको, जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए ने स्लिप पे प्लस लिखा, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/3 इनटू,
अब बी ने साइन डज नॉट चेंज, तो साइन डज नॉट चेंज इसकी प्रॉपर्टी गिवन है 2/3, ए ने बी सी डी ने साइन चेंज नहीं किया। एक बार देख लेते वंस अगेन, इसमें लिखा होगा हाँ बी सी डी चेंज दी साइन, हाँ बी सी डी अगर साइन को चेंज करते हैं तो प्रॉपर्टी आपको 2/3 गिवन है, तो बी सी डी के द्वारा साइन को चेंज नहीं करने की प्रॉपर्टी क्या होगी 1/3। तो चलो करते हैं इसको, तो बी ने साइन चेंज नहीं किया 1/3, सी ने भी साइन नहीं चेंज किया 1/3, और डी के पास भी सेम प्लस है तो 1/3 इसके अकॉर्डिंग आ गया। अगला, एक ने प्लस लिखा, प्लस साइन लिखने की प्रॉपर्टी 1/3, बी ने चेंज नहीं किया तो चेंज नहीं करने की प्रॉपर्टी 1/3, सी ने साइन को चेंज किया है क्योंकि प्लस की जगह माइनस लिख दिया इसका मतलब 2/3, और अगेन इससे प्लस से माइनस चला गया इसका मतलब दोबारा साइन चेंज किया तो ये 2/3। ठीक है, ये ऐसे कर देना तो सारे का सारा सम तो आ गया सिंपल स्पेस, और स्टार्टिंग के जो चारों पार्ट हैं उनका सम क्या होगा फेवरेबल केस, और जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप करना, तो जितना मेरे को आइडिया है उसको सोल्व करने पर आंसर आता बेटा 11/43। तो इनका पूछा ना दिस इज पी दिस इज क्यू, तो पी प्लस क्यू का समझ आएगा 54। ठीक है, चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन सेकंड में क्या करना है। लेट ए डिफरेंशियबल फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई दी फंक्शनल रूल ऑफ दिस पार्ट, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ डैश 12 आपको 4 गिवन है, तो देन दी इस लिमिट की वैल्यू को लैम्डा बोला गया, देन दी सम ऑफ दी डिजिट ऑफ लैम्डा। तो देखो क्या करना है क्वेश्चन में, देखो सबसे पहले तो देखो जब लिमिट को पुट करोगे 0 तो आप डायरेक्ट देख के नहीं बोल सकते कि विच फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है, अपॉन में तो ठीक है 0 लेने पे 0 अपॉन समथिंग, समथिंग अपॉन 0 आ गया, तो बेटा इन न्यूमेटर में भी 0 फॉर्म आने वाली है 0/0 फॉर्म, बट वो कैसे होगी उसको करने के लिए देखो क्या करना है, ये जो कंडीशन गिवन है इसको देखो, इस फंक्शनल रूल में आप क्या करो एक्स इज रिप्लेस बाय एक्स प्लस 2, ये आपको पता होना चाहिए, इन सब का डिफरेंस 2 आ रहा है तो इसमें एक्स को एक्स प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू की जगह 4 आ गया और ये 6 आ गया। ठीक है, और जब आप फर्स्ट में से सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6, इसका मीनिंग ये आपने सबने पढ़ा है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी आ गया, इसका पीरियड टी होगा, ये पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड टी आ गया, इसका पीरियड कितना आ गया 6 और इसका पीरियड 6 आ गया, तो अपन पीरियडिक प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 12, 6 जोड़ते चलो तो अगली बार में 18 जाएगा, ऐसे चलता रहेगा क्योंकि सबका यूज है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि एफ डैश 12 गिवन है अपन को और 18 का भी रोल है। ठीक है, और डैश करोगे डिफरेंशिएशन तो अगेन एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स प्लस 6 एफ डैश एक्स प्लस 12 एफ डैश एक्स प्लस 8, मतलब इनका डैश भी सबका सेम होगा 0, 6, 12 और 20, 18 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो तो एक बात खुद सोचो ना, जब आपने इसमें 0 पुट किया तो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 6 एफ ऑफ 12 एफ ऑफ 18 सारे के सारे सेम होंगे ना, तो देखो सबसे पहले एक काम करो इसमें आप एफ ऑफ एक्स प्लस 12 को लिख सकते हो एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस 6 को भी लिख सकते हो एफ एक्स, यस सर, और मैं बेटा ये जो एफ ऑफ 18 है इनको एफ ऑफ 0 भी मान सकता हूं ना, तो क्वेश्चन को मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 0 में कर देता हूं कन्वर्ट, तो क्वेश्चन क्या रह गया लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0, बात को समझे एफ स्क्वायर एक्स माइनस ये एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 0, यस सर, और ये आ गया माइनस के एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 0 प्लस एफ स्क्वायर 0, इसमें अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद क्या होगा अपॉन वाला पार्ट लिख देना दोबारा, इन दोनों में एफ एक्स कॉमन लो, इन दोनों में जब एफ ऑफ 0 कॉमन लोगे ना तो उसके फैक्टर कर सकते हैं अपन, तो उसके फैक्टर आएंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 क्या होंगे, जब आपने एफ एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा एफ एक्स माइनस के एफ ऑफ 0, यस सर, और उधर भी आपने एफ ऑफ 0 कॉमन लिया तो अगेन आ गया एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0, तो ये होल स्क्वायर आ गया, क्या आ गया होल स्क्वायर, और ये आ गया एक्स इंटू दिस पार्ट, अब एक्स को 0 पुट करो एफ ऑफ 0 0/0 फॉर्म है, अब अगर ये 0/0 फॉर्म है तो इसमें कुछ नहीं करना, दो बार आपको लगाना डी एल रूल, क्या लगाना है डी एल रूल, तो चलो एक बार लगा के दिखाते हैं डी एल रूल कैसे लगाओगे।
ठीक है। तो इसमें ये 0/0 फॉर्म है, तो डी एल यू लगाने पे देखो क्या गया, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, पहले पावर को मल्टीप्लाई में लाते हैं, तो टू इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो इंटू एफ एक्स का तो एफडेस एक्स और एफ ऑफ जीरो का जीरो हटाओ, इसमें कर देना फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो बाहर फंक्शन एक्स है तो एक्स का करोगे तो अंदर वाला पार्ट एज इट इज, तो वो अंदर वाला पार्ट क्या है, पाई बाई फोर माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस के वन, ठीक है, क्या होगा बोलो, एक्स माइनस के वन, क्योंकि जीरो लेने पे ना सॉरी वन माइनस एक्स है, तो एक काम करो प्लस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बार तो मैंने ये किया, प्लस क्या करो एक्स एज इट इज इस अंदर वाले फंक्शन का, तो पाई बाई फोर का तो जीरो हो गया, हटाओ, टेन इनवर्स का करोगे तो वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और एक्स का वन आ गया, डरना मत, टेंशन मत लो, ये आने के बाद अगेन देखो सीधी बात है, एफ डैश जीरो तो मेरा फिक्स है, उसमें क्या मैंने एफ डैश ट्वेल्व की वैल्यू आपको फोर है, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू भी आपकी फोर होगी, तो ये तो जो वैल्यू वो पुट कर देना, जीरो पुट करने पे ये जीरो और ये दोनों के दोनों जीरो है, तो वंस अगेन आपकी जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो एक बार डीएल और लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और डीएल लगाने में डरना क्या, इसका डीएल लगाओगे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इससे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको, और इसमें देखो फर्स्ट इनटू सेकंड लगाना है, तो इधर सुनो, जब आप इधर सुनो कैसे करना है, फर्स्ट और सेकंड मैं आपको सीधा बताता हूं, जब आप एक्स को अपॉन में जीरो पुट करोगे तो इसमें एक्स को जीरो पुट करने पे ये जीरो बन गया, इसमें एक्स को जीरो पुट करने पे ये जीरो आएगा, ये तो कितना आएगा, ये तो बेटा वन बाई टू आने वाला है, इसका आउटपुट क्या आएगा, वन बाई टू, तो मैं सीधे ऐसे कर सकता हूं, जब अपॉन वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन करोगे तो वो अंदर वाला पार्ट आएगा, तो इस अंदर वाले पार्ट की वैल्यू क्या आएगी, वन बाई टू जीरो पुट करने पे, प्लस जब आप एक्स को रखोगे एज इट इज और अंदर वाले का करो डिफरेंशिएशन, कर दो जो भी आ रहा है, बट लिमिट जीरो पुट करने पे जीरो बना देगा ना उसको, हटाओ, प्लस एक्स का तो करोगे फिर बाद में एक्स का किया वन और इसमें दोबारा पुट करने पे दोबारा क्या आ गया, वन बाई टू, तो ये तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू बना जाएगा हमेशा, ठीक है, तो जो भी आंसर वो देख लेना क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से करो। हाँ, उसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या करना है, ये भी गुड क्वेश्चन है समझने वाला। लेट एफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलीनोमियल फंक्शन, एफ एक्स आपको एक क्यूबिक पॉलीनोमियल फंक्शन गिवन है, हैज लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन पे अगर लोकल मैक्सिमा तो देन आप देख सकते हो ना उसका 100% एफ डैश, क्योंकि ये फंक्शन अगर पॉलीनोमियल है तो वो कॉन्टिन्यूस डिफरेंशियबल सब होगा, तो एफ डैश माइनस वन आपको जीरो होगा, और अगेन एफ डैश हैज लोकल मिनिमा, एफ डैश एक्स का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब एफ डैश एक्स में इसका डबल डैश जीरो होगा, तो अगेन लिख सकते हैं एफ डबल डैश कितना, वन इक्वल टू जीरो, और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू टेन गिवन है, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू माइनस 22 गिवन है, देखते हैं क्या हो रहा है, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, तो इस कर्व की जो दो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होंगी उन दोनों हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के बिटवीन अपन को डिस्टेंस करनी है फाइंड आउट, तो देखो कैसे करना है थोड़ा समझे, एक बात बताओ एफ एक्स पॉलीनोमियल फंक्शन है क्यूबिक, तो उसका एफ डैश करोगे तो क्वाड्रेटिक होगा और उसका डबल डैश करोगे तो क्या होगा, वो लीनियर होगा, क्या होगा बोलो, लीनियर, और जब अपन को पता है जब इसका एफ डबल डैश एक्स मेरा लीनियर फंक्शन है तो बेटा लीनियर का मतलब उसका एक ही फैक्टर होगा, और क्वेश्चन में एफ डैश वन जीरो आ गया, इसका मतलब डबल डैश एक्स का एक्स इक्वल टू वन एक रूट है, तो मैं बेटा लेट कर सकता हूं एफ डबल डैश एक्स फंक्शन, क्या लेट कर सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा की जगह बना गया, ये मैंने एफ डबल डैश एक्स माना, इसका कर दो इंटीग्रेशन, तो इससे एफ डैश एक्स आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट लगा दिया मैंने भी, एफ डैश एक्स आने के बाद क्वेश्चन में एफ डैश माइनस वन जीरो के बने तो उसमें पुट कर दो ना एक्स को माइनस वन, ये लो जैसे ही इसमें एक्स को माइनस वन पुट करोगे तो ये तो जीरो आ गया, माइनस वन का स्क्वायर वन बाई टू प्लस तो थ्री बाई टू आ गया, तो ये आ गया थ्री ए प्लस टू बी, इतना आने के बाद अब एक काम करते हैं इससे b की वैल्यू इसमें पुट कर दो ताकि सिंगल वेरिएबल आ जाएगा अगेन, तो क्या आ गया f डैश x इक्वल टू a x स्क्वायर वाई टू माइनस के x, और b की वैल्यू कितनी होगी माइनस के थ्री ए वाई टू, तो माइनस के थ्री ए वाई, यस सर, और अब इसमें एक काम को
एक कॉमन लेके प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं, या ए बाई टू कॉमन ले लो, दिक्कत क्या है? क्योंकि ए बाई टू कॉमन लेने पे क्या आ गया ब्रैकेट में, बोलो, इधर से बाई टू कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये आ गया माइनस के टू एक्स और माइनस के थ्री। यस सर। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, एवरेज एक्स आ गया ना, और इसको देखो केयरफुली, बाहर वाले से तो मतलब नहीं है मेरे को, इसका जब फैक्टर ग्रोथ क्या आएंगे, इसके फैक्टर एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस के वन। यस सर। और देखो क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ थ्री और एफ ऑफ माइनस वन की वैल्यू गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं। तो देखो डायग्राम से क्या सीखने को मिलेगा आपको, इसमें से ये पोर्शन डाल देते इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो अपना जो फंक्शन है एफ एक्स वो क्यूबिक फंक्शन है, ये फंक्शन तो क्यूबिक है, और बच्चों इसके x इक्वल टू आप कुछ देखो ना एवरेज x के जो फैक्टर है वो क्या है, माइनस थ्री और थ्री और माइनस वन लिख देते हैं, ये माइनस वन है ये थ्री है, और पता है ना माइनस वन पे लोकल मैक्सिमम आना चाहिए, तो वो जब ही आ सकता है जब स्टार्टिंग प्लस से करोगे प्लस माइनस प्लस, और ये जब ही कर सकते हैं जब a मेरा पॉजिटिव होगा, तो वो ऑटोमेटिक आएगा ये पॉजिटिव। तो देखो ना माइनस वन पे लोकल मिनिमा है, थ्री पे लोकल मैक्सिमा, ये लो ये माइनस वन ये थ्री है, और बेटा अपन को ये पता चल गया f माइनस वन टेन है और f ऑफ थ्री मेरा माइनस के ट्वेंटी टू। ये सर एफ एक्स एक क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसकी लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा आपको पता है, और f ऑफ माइनस वन की वैल्यू टेन है और f ऑफ थ्री की वैल्यू माइनस ट्वेंटी है। इसका मतलब जब आप क्यूबिक फंक्शन का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो क्यूबिक फंक्शन का जो डायग्राम है वो इन तीनों पॉइंटों से पास होगा, सॉरी इन दोनों पॉइंटों से पास होके जाएगा, ये इसका एग्जैक्ट डायग्राम है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये जो माइनस वन और थ्री है इसके रिगार्डिंग जो पॉइंट है इस पे जो टेंजेंट बनाओगे वो क्या होगी, वो हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी। यस सर। क्योंकि इन दोनों पॉइंटों पे एफ डैश एक्स आपका जीरो है, तो क्वेश्चन ने ये तो पूछा ना कि बहुत हॉरिजॉन्टल टेंजेंट के बिटवीन डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस मेरी 10 है, ये डिस्टेंस आपकी 22 है, तो देन समेशन क्या आ गया 32 आंसर फिल करना है, आगे सॉल्व नहीं करना इसको कंप्लीट, बस इसी को देख के अपन आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 32 आंसर आपको फिल करना है। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या करना है अपन को, एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है साइन की पावर 23x माइनस कॉस की पावर 22x, जी एक्स गिवन है 1 प्लस हाफ टेन वर्स मोड एक्स, देन दी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरवेल माइनस 10 पाई से 20 पाई सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम जी एक्स। तो देखो इसमें बेसिकली हुआ क्या, सिग्नम जी एक्स में क्या करना है, अपन को अंदर मोड एक्स आना ना, तो टेन वर्स मोड एक्स का जो आउटपुट है वो हमेशा जीरो से पाई बाई टू होगा ओपन। ठीक है, टेन वर्स का आउटपुट तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, लेकिन मोड लगा दिया तो इसका आउटपुट जीरो से पाई बाई टू, वन बाई टू से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉजिटिव, और वन जोड़ोगे तो जी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जी एक्स का जो आउटपुट है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। और सिंपल सी बात है, सिग्नम के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो सिग्नम पॉजिटिव की वैल्यू हमेशा वन होती है। तो क्वेश्चन क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू वन, एफ एक्स की वैल्यू पुट की तो क्या आ गया, साइन 23x माइनस उधर भेज दो 1 प्लस कॉस की पावर 22x। अब आप सबने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि जब भी हायर पावर हो और अपन को इक्वेशन को सोल्व करना है तो अपन यूज करते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज प्रॉब्लम, एक्सट्रीम वैल्यू को यूज करोगे तो देखो ऑल स्क्वायर की मिनी वैल्यू 0, 1 प्लस 0 1, तो राइट साइड की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और लेफ्ट की वैल्यू हमेशा 1 और 1 से छोटी, और बीच में इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वेशन कब होल्ड हो सकती है, जब लेफ्ट एंड बोथ पार्ट आज इक्वल टू 1, लेफ्ट और राइट साइड दोनों आपके जब 1 की इक्वल होंगे तो ये इक्वेशन आपकी होल्ड हो सकती है। इसका मीनिंग लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 कब होगी, जब sin x इज 1। यस सर। एंड राइट साइड इज 1 व्हेन cos की पावर 22x इज 0, इसका मतलब cos x मेरा 0 आना चाहिए। अब अपन को दोनों कंडीशन को साइमल्टेनियसली एक साथ ट्रू करना था। देखो सिंपल, अब देखना ये जो माइनस 10 पाई से 22 पाई है ये टोटल 30 का इंटरवल हो गया, 30 इंटरवल है, उधर माइनस 10 इधर 20, तो इसके बिटवीन कितनी लेंथ है, 30 की लेंथ है। तो देखो 0 से 2 पाई में जाओ, पहले 0 से 2 पाई में साइन की वैल्यू 1 इधर होती है और कॉस इस पॉइंट पे 0 आता है, तो इन दोनों का कॉमन आंसर आ गया पाई बाई टू, अगला कौन आएगा 5 पाई बाई टू। इसका मीनिंग ऐसे समझो ना, 0 से 2 पाई में इसका 1 सॉल्यूशन है, 2 पाई से 4 पाई में अगेन 1 सॉल्यूशन है, तो 2 पाई के इंटरवल पे आपका 1 सॉल्यूशन आ रहा है,
तो माइनस 10 पाई से 20 पाई में टोटल 30 पाई का इंटरवेल है, तो दो दो के इंटरवेल पे वन आंसर है ना, तो टोटल कितने आंसर आएंगे, 15, हाफ आंसर हो गया ना, क्योंकि 2 पाई के अकॉर्डिंग वन सॉल्यूशन है, तो 30 पाई के अकॉर्डिंग टोटल 15 सॉल्यूशन होंगे, तो इसका 15 आंसर आपको फिल करना है, ठीक है। चले उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, लेट एफ एक्स इज दिस पार्ट, एफ एक्स एक आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल फंक्शन गिवन है बेटा, इफ एफ एक्स हैज एग्जैक्टली वन लोकल मैक्सिमा एंड वन लोकल मिनिमा, इस एफ एक्स का एग्जैक्टली एक लोकल मिनिमा है एक लोकल मैक्सिमा है, देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू जो पी, देखो अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था ना कौन सा, जिसमें वो एफ डेस एक्स आपका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा रखता है, जिसमें अपन ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताई थी। आप एक बार बताओ, एक क्यूबिक पॉलीनोमियल गिवन है और उसका एग्जैक्टली वन लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, इसका मतलब जब इसका डायग्राम बनाओगे तो 100% डायग्राम ऐसे बनना चाहिए, इसका मतलब एफ डेस एक्स आपका दो पॉइंट पे जीरो आना मस्ट है, एफ डेस एक्स के अगर दोनों रूट डिस्टिंक्ट होंगे तो उसी केस में एक पॉइंट पे लोकल मिनिमा दूसरे केस में लोकल मैक्सिमम हो सकता है, समझो ना, आपन को पता है एफ एक्स मेरा क्यूबिक है तो इसका एफ डेस एक्स करोगे तो क्वाड्रेटिक आने वाला है, और क्वाड्रेटिक के फैक्टर क्या होंगे, लेट एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दो डिस्टिंक्ट फैक्टर मानोगे एफ डेस एक्स के, तो लेट ये अल्फा है ये लेट बीटा है, तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, तो एक पे लोकल मैक्सिमा तो दूसरे पे लोकल मिनिमा उसका एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें कुछ नहीं करना आपको, इसका एफ डेस एक्स लिख के एफ डेस एक्स क्या एक क्वाड्रेटिक होगी और उस क्वाड्रेटिक के बहुत रूट्स आर डिस्टेंस, तो उसका डी ग्रेटर देन 0 करना है आपको, क्या करना है बोलो, डी ग्रेटर देन 0, यस सर, तो चलो बता देते हैं, आपने जब इसका एफ डेस एक्स किया तो कितना आ गया बोलो, 6x² माइनस के 6 ऑफ पी प्लस 2 प्लस 12 पी, यस सर, इस लॉग का तो 0, कुछ नहीं करना बाद में, इस एफ डेस एक्स के दो रूट होंगे, दोनों रूट अगर डिस्टेंट है तो 100% क्या होगा, लोकल वन लोकल मिनिमा एंड वन लोकल मैक्सिमा, और दोनों रूट अगर सेम होंगे तो साइन डज नॉट चेंज, तो उस केस में होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इसमें कुछ नहीं करना, एक काम करो डी ग्रेटर देन 0, डी को ग्रेटर देन 0 करोगे तो आपको पी का इंटरवल मिल जाएगा, और उसके बाद इसमें मेन कंडीशन ये है, ये जो 16 माइनस पी स्क्वायर है ये भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग के अंदर है ना, तो पी स्क्वायर माइनस 16 करोगे लेस देन 0, तो पी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा माइनस 4 से 4, क्या आएगा माइनस 4 से 4, इसमें जो असली प्रॉब्लम वो क्या आती है वो मैं बोल देता हूँ, इसका जब डी करोगे तो पता है क्या आएगा, 36 पी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 6 12 पी ग्रेटर देन 0, यस सर, तो कर सकते हैं ना, 36 को काटना है तो इधर से तो 3 पकड़ लो, इधर से 12 कट गया, 12 थी 36, तो क्या रह गया, पी प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8 पी इज ग्रेटर देन 0, तो फाइनली कितना आ गया देखो, पी स्क्वायर 4 पी माइनस 8 पी माइनस 4 पी प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, दिस इज पी माइनस 2 का होल स्क्वायर, पी माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो इसमें गलती ये कर देते हैं कि सर होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 ये ऑलवेज ट्रू है, ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, इसमें पी को 2 लेट नहीं करना है, क्योंकि पी को 2 लेने पे क्या होगा, 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स आ जाएगा, यस सर, तो क्या करना है, पी को 2 लेने पे इसका डी 0 आ रहा है, और पी को 2 लेने पे अगर डी 0 आ गया इसका मतलब बहुत रूट्स आर इक्वल, तो उस केस में होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बस इसके केस में क्या होगा, डी मेरा पॉजिटिव होगा ऑलवेज का जब पी नॉट इक्वल टू 2 है, तो अपन को करना है क्या है, इसका जो आंसर है वो माइनस 4 से 4 के बिटवीन जो इंटीजर लेने हैं उसमें 2 को नहीं लेना है, तो इसके कौन कौन से इंटीजर होंगे, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 3, तो टोटल 6 इसके इंटीजर सॉल्यूशन होंगे, पी की इंटीग्रल वैल्यू होंगी, तो इसका 6 आंसर आपको फिल करना है, ठीक है। चलो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो इस 6 क्वेश्चन में क्या करना है, अपन को करते हैं स्टार्ट, आपको आई और जे गिवन है, आई अपॉन जे गिवन है एम अपॉन एन, तो देन बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, और ये रेगुलर क्वेश्चन है आईआईटी में, इस जैसे एक दो बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो देखो कैसे करना है, जब भी कभी भी दो इंटीग्रेशन का रेशियो पूछे ना डेफिनेट में, तो अपन का एक ही काम है कि एक इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करके अपन दूसरे इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सीधा उसका रेशियो फाइंड आउट हो जाता है, इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली सिंगल पार्ट को कंप्लीटली इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते कभी, इसमें रिलेशन ला सकते हैं आई और जे में, तो देखो कैसे करेंगे, इसकी पावर कम है इसकी पावर ज्यादा है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या करो, इसका तो कर सकते हैं अपन डिफरेंशिएशन, तो इसको तो लेट करो सेक, अब इंटीग्रेशन, और इसको लेट करो फर्स्ट, तो देखो क्या आ गया, जे इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 इंटू 100
एज इट इज, और सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन एक्स की पावर 101 अपॉन 101, लिमिट लगाओगे बच्चों 0 से 1। यस सर। माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन पहले पावर का किया तो 100 आ गया इनटू ये आ गया 99, और एक्स की पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, हाँ सॉरी अंदर वाले पार्ट का 1 का 0 और माइनस एक्स की और 50 का डिफरेंशिएशन माइनस 50 एक्स की पावर 49 और ये आ गया 101 अपॉन 101। यस सर। इसके बाद देखो क्या करना है, एक्स को अपर लिमिट 1 पुट करने पे ये 0 आ गया, 0 पुट करने पे ये 0, ये तो सारा 0 में चला गया, इसको हटा दो तो ये लिख सकते हैं जे इक्वल टू, अब सीधा किया जाएगा इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से 1। मैंने क्या किया 100 50 और 101 को ले लिया बाहर, तो कितना गए 5000 अपॉन 101 और ई आ गया इधर देखो 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 99। यस सर। इधर देखो ये माइनस है ना, इस माइनस को रखो आप बाहर और अंदर वाले माइनस का क्या करना है वो मेरी तरफ देखो, ये 101 मारा गया ना, ये एक्स की पावर 100 है, इसमें से 100 को तो करो सेपरेट और डीएक्स लिखने लिखना अपन को और एक एक्स को इसके साथ मैनेज कर दो आप, तो ये आ गया माइनस एक्स की पावर 100 एक्स की माइनस एक्स की पावर 50 और माइनस एक्स की पावर जो 50 होगा इधर उसको ऐसे लिखने में क्या प्रॉब्लम है, 1 माइनस एक्स की पावर 50 माइनस के 1, ये माइनस एक्स की पावर 50 अभी भी क्योंकि 1 से 1 कैंसिल, ये करने के बाद कुछ नहीं करना, इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, अरे यार एक्स की पावर 100 दिस पार्ट इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो 100 आ जाएगा, ये बन जाएगा मेरा जे और बाद वाला पार्ट बन जाएगा आपका के, क्या बन जाएगा बोलो आई, लिख देते हैं इसको, ये आ गया जे इक्वल टू माइनस के 500 अपॉन 101 ब्रैकेट, जैसे आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस एक्स की पावर 50 की पावर 100 इंटू एक्स की पावर 100 दिस इज जे और माइनस दिस इज आई, ठीक है 101 से गुणा करके जे वाला पार्ट इधर उधर और आई वाला पार्ट इधर, तो आपको आई अपॉन जे का रेशियो मिलेगा, उसको एम और एन लिखना है क्योंकि एम एंड एन बोथ आर को प्राइम नंबर्स, एम एन आने के बाद जैसी वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ये कर सकते हो सिंपल पार्ट है, बस एक ही स्टेप क्रिटिकल है इसमें ये वाली कि माइनस एक्स की और 50 को आपको 1 ऐड करके 1 सेपरेट करना, जिससे सीधा ये आई और जे में क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है चले। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन में क्या करना है, फाइंड दी एरिया बाउंडेड बाय दी कर्व एफ एक्स इक्वल टू दिस पार्ट एंड जी एक्स इक्वल टू दिस पार्ट मोड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, मोड एक्स इक्वल टू पाई बाई टू का मतलब एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बिटवीन आपको इसका एरिया करना फाइंड आउट, तो देखो कैसे करना है कि आपको सबको पता है इस मोड कॉस एक्स को ओपन करना है, तो सिंपल सी बात है ना, जीरो से पाई बाई टू लो या जीरो से माइनस के पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू और जीरो से माइनस पाई बाई टू में कॉस ऑलवेज आपका एक पॉजिटिव फंक्शन है, तो मोड को सीधा हटा सकता हूं, तो क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर और जी एक्स आ गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स, एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, उसके बाद देखो जीरो से पाई बाई टू में कॉस इनवर्स से कॉस को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं बट माइनस पाई बाई टू से जीरो में कॉस को कॉस इनवर्स से डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते, चलो पहले जीरो से पाई बाई टू की बात कर लो ना, तो जीरो से पाई बाई टू में तो सीधा कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इससे तो आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और उससे आ गया जी एक्स इक्वल टू एक्स, यस सर, और मतलब जीरो से पाई बाई टू में तो एरिया इनसे बाउंड हुआ होगा, तो चलो एक बार जीरो से पाई बाई टू की बात करो, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डायग्राम ऐसे होगा और वाई इक्वल टू एक्स की लाइन ऐसे होगी, तो ये वन है ना आपका, ये लो वन, पाई बाई टू आपका कहीं इधर होगा तो ये लो पाई बाई टू बना दिया, तो देन इस केस में दोनों से बाउंडेड बाय एरिया कौन सा होगा, इन दोनों से बाउंडेड एरिया होगा दिस पार्ट, तो इसमें क्या करना है रिक्वायर्ड एरिया ए इक्वल टू जीरो से वन अपर कर माइनस लोअर कर मतलब एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर, यस सर, प्लस अगला लिखोगे वन से पाई बाय टू अपर कर माइनस लोअर, तो इस बार अपर कर कौन होगा एक्स स्क्वायर और लोअर कर भी एक्स, ये एरिया कौन सा होगा इधर वाला जीरो से पाई बाय टू
और माइनस पाई बाई टू से जीरो में क्या करना है, वो क्वेश्चन को देखो ढंग से, ये जो दोनों फंक्शन है इसमें एक्स को माइनस एक्स पुट करने से नो चेंज, क्योंकि अंदर मोड कोस एक्स एक इवन फंक्शन है, भार चाहे कैसा भी हो ये अगर इवन फंक्शन है तो इसका मतलब एफ एक्स और जी एक्स दोनों के डायग्राम आपके वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हैं, मतलब जैसा डायग्राम इधर है वैसा डायग्राम इधर होगा, तो देन इस एरिया को डबल करना है। क्या करना है, इस एरिया को डबल, जैसे एरिया को डबल करोगे तो एरिया आपका पाई इस फॉर्मेट में आ जाएगा, और फॉर्मेट में आने के बाद कुछ नहीं करना, एबीसी की वैल्यू को कंपेयर करना है। इसमें लॉजिकल पार्ट यही था कि सबसे पहले देखना है कि बोथ डायग्राम्स आर इवन फंक्शन, ये दोनों इवन फंक्शन है, दोनों के डायग्राम वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होंगे, तो आप केवल जीरो से पाई बाई टू में इसका एरिया लिख के इसको डबल कर दो बस। उस एरिया को फाइंड आउट करने के बाद जैसे ही कंपेयर करोगे, पाई क्यूब का जो कोफिशियंट है वो ए होगा, पाई स्क्वायर का कोफिशियंट है वो बी होगा, और कांस्टेंट टर्म है वो आपकी सी होगी। दोनों को ऐड करना है, मोड ए प्लस मोड बी प्लस मोड सी, तो नेगेटिव साइन पे ध्यान मत देना, ठीक है, तो सोल्व कर देना उसके बाद। चलो उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है अपन को, लेट दी लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस वन कट्स दी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स एट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। ये लो, ये एक पैराबोला गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, इस पैराबोला वाई स्क्वायर फोर एक्स को एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो पी और क्यू पे क्या करती है, कट करती है। ये सिंपल क्वेश्चन है जी, कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन ने बोला गया कि इफ द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विद डायमीटर और एच पी क्यू, पी क्यू को डायमीटर मान के जो सर्किल बनाओगे उसकी इक्वेशन क्वेश्चन में दिस पार्ट गिवन है, तो बताओ ए प्लस एम क्या होगा, तो क्या दिक्कत है। अपन एक काम करते हैं, सिंपल पी और क्यू पॉइंट को लेट कर दो, एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू। यस सर, तो अगर ये पी और क्यू किसी डायमीटर के एंड पॉइंट से हैं, तो देन इक्वेशन ऑफ सर्किल इज एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। जैसे इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा, एक्स इंटू एक्स तो आ गया एक्स स्क्वायर, वाई इंटू वाई क्या आ गया वाई स्क्वायर, माइनस एक्स को एक्स टू से और एक्स वन को एक्स से, तो ये आ गया एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स, सिमिलरली वाई वन प्लस वाई इंटू वाई प्लस एक्स वन एक्स टू प्लस वाई वन वाई टू इक्वल टू जीरो। अब आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद गुणा भाग करने, एक बार तो क्या करना इसमें y की वैल्यू पुट कर देना पैराबोला में, तो क्या गया एम एक्स प्लस वन का ऑल स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो ये क्या होगी x में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके दो रूट होंगे x1 और x2, तो उससे लिख देना सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। यस सर, सिमिलरली क्या करना है, इस बार x की वैल्यू पुट कर देना इसमें, तो y में क्वाड्रेटिक बनेगी, तो y में क्वाड्रेटिक के रूट होंगे y1 y2, तो उससे के बाद अगेन y1 प्लस y2 और y1 y2 लिख देना। उन चारों वैल्यूज को जब पुट करोगे ना, तो कुछ नहीं करना अपन को, ये एक सर्किल है आपका, उसमें x का कोफिशियंट तो कर देना 8, 18, y का कोफिशियंट कर देना, या सीधा देख दो ना x का कोफिशियंट कितना आ गया x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस x2 18, दिस इज माइनस के 18, ठीक है। ऐसे ही y1 प्लस y2 का y का कोफिशियंट कितना 4, तो कितना आ गया y1 प्लस y2 आ गया माइनस के 4, और जो एक कॉन्स्टेंट टर्म है ये आपकी 5 है। इन तीनों को सोल्व करोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है, और ए और बी की जो वैल्यू आने वाली है उसमें सीधा जाएगा ए प्लस एम इक्वल टू जीरो, एक वैल्यू नेगेटिव में होगी दूसरी वैल्यू पॉजिटिव में आने वाली है, बट आपको तीनों क्वेश्चनों को सोल्व करना है, ठीक है ना। चलो तो इसका जीरो आंसर फिल करना आपको, बस कैलकुलेशन करोगे आप इसके बाद। और इसी के साथ इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया, एक अच्छा क्वेश्चन है वैसे, एक आपको फिगर गिवन है ओ ए बी सी डी, ठीक है, आपको इसमें बोला गया है कि इसका जो एरिया ना ये वन है, ये थ्री है, सिक्स है, तो आपको दिस एरिया करना कैलकुलेट। तो इसको करने के दो तीन मेथड है, एक मेथड बता देता हूँ मैं आपको, देखो कौन सा सिंपल मेथड लगा मेरे को। मैंने क्या किया, इस एंगल को अल्फा माना तो ये भी एंगल अल्फा आ गया, और इसको बीटा माना तो ये भी बीटा आ गया। यस सर, थोड़ा केयरफुली देखना, ये एंगल अल्फा बीटा है, तो इन चारों का समय आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज पाई, तो देन 2 पाई, तो अल्फा प्लस बीटा पाई आ गया, इसको लिख दो साथ में। ये लिखने के बाद देखो क्या करना है, ये जो OA लेंथ है इसको लेट किया मैंने x, OB लेंथ को लेट किया y, OC लेंथ को लेट किया z, और इस OD लेंथ को लेट किया w। अब मेरी तरफ ध्यान दो,
ये लेट करने के बाद ट्राइंगल के एरिया मैंने पढ़ा है हाफ ए बी साइन सी, हाफ दो साइड की लेंथ इनटू उनके बिटवीन एंगल का साइन। तो देखो डेल्टा ओ ए बी की बात करोगे, डेल्टा ओ ए बी का जो एरिया वो क्वेश्चन में वन बोला गया ना, तो मैं डेल्टा ओ ए बी को लिख सकता हूं हाफ दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, तो एक्स वाई साइन अल्फा, एक्स वाई साइन अल्फा इक्वल टू वन, तो ये आ गया। चलो ऐसे रखो ना, अगले का एरिया देखो दिस पार्ट हाफ वाई जेड साइन बीटा इज थ्री, हाफ वाई जेड साइन बीटा इक्वल टू थ्री, और नेक्स्ट इज हाफ जेड डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वल टू सिक्स, यस सर। और जिसकी वैल्यू पूछी गई उसको दोबारा लिख देते हैं डेल्टा इक्वल टू दिस पार्ट हाफ एक्स डब्ल्यू साइन बीटा, हाफ एक्स डब्ल्यू साइन बीटा। देखो सारा का सारा सिंपल है, कैसे करना है, सबसे मेन बात तो ये है अल्फा प्लस बीटा पाई है ना, तो बीटा की जगह पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं, तो बीटा यदि मेरा पाई माइनस अल्फा आ गया तो दोनों तरफ जब साइन लोगे तो साइन बीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फा इज साइन अल्फा, यस सर। तो मैं साइन बीटा को भी साइन अल्फा लिख सकता हूँ, ये लो, तो ये भी अल्फा बन गया और ये भी अल्फा। अब कुछ नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखो मेरी तरफ अपन को एक्स डब्ल्यू साइन अल्फा लेके आना है, एक्स डब्ल्यू साइन अल्फा। तो सबसे पहले तो वाई और जेड को एलिमिनेट करो, तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, इसको इससे डिवाइड करने पे 1 बाई 2 चला गया, वाई से वाई चला गया, तो एक्स अपॉन जेड आ गया 1 बाई 3, यस सर। मेरे को एक्स डब्ल्यू चाहिए, अगेन इसको इससे डिवाइड किया तो क्या आ गया, वाई अपॉन डब्ल्यू आ गया 1 बाई 2, वाई अपॉन डब्ल्यू 1 बाई 2 आ गया। तो एक काम करो, हमको एक्स इंटू डब्ल्यू चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, इसमें इससे जब डिवाइड करोगे तो देखो क्या आ गया, एक्स अपॉन जेड नीचे वाई आ गया ऊपर डब्ल्यू चला गया, तो ये आ गया 2 बाई 3, और देखो एक्स डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया 2 बाई 3 जेड वाई, और वाई जेड की वैल्यू क्या है, वाई जेड अपन को जेड वाई की वैल्यू चाहिए, तो जेड वाई क्या आ गया, जेड वाई बोलो, या फिर ऐसे दो एक्स डब्ल्यू इज 2 बाई 3 जेड डब्ल्यू। अब मैं अपने क्वेश्चन में काम करता हूं, एक्स डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं, ये एक्स डब्ल्यू की वैल्यू पुट करोगे 2 बाई 3 जेड वाई, 2 से 2 चला गया, तो 1 बाई 3 जेड वाई साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा कुछ भी लो ना, और देखो जेड वाई साइन अल्फा कितना आ गया मेरा 6, तो जैसे ही 6 लोगे तो 6 बाई 3 2, तो इसका 2 आंसर आपको फिल करना, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, चलो ठीक है बेटा, चलो जाओ उसके बाद, थैंक यू।